हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। इब्ने सफ़ी की जासूसी दुनिया सीरीज़ की नॉवेल अंधा मुजरिम। नायक आंखें बंद किए पड़ा था और दिल ही दिल में राजेश को गालियां भी दे रहा था, क्योंकि उसने उन दोनों की पूरी बातें सुन ली थी। मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। इन दोनों की मौजूदगी में होश में आने का अर्थ था खुद अपनी हंसी उड़वाना। लेकिन प्रश्न यह भी सामने था कि आखिर वह कब तक इसी प्रकार बेहोश पड़ा रहेगा। राजेश के विरुद्ध उसके दिमाग में नफरतों की ज्वाला भड़क रही थी। अचानक उसने राजेश को कहते सुना, मैं फिर कॉफ़ी पीना चाहता हूँ, मैं बनाए लाती हूँ। जूली चहक कर बोली, अच्छी बात है, मैं ज़रा बाथरूम तक होता हूँ। जब उनके कदमों की चाप दूर हो गई तो नायक जल्दी से उठ बैठा। कमरा खाली था, इससे अच्छा अवसर फिर हाथ ना आता, उसने सोचा और धीरे से जूली के निवास स्थान से बाहर निकल आया। कंपाउंड में एक गाड़ी खड़ी नजर आई, मगर उसमें इतना साहस नहीं था कि वह उसे ले भागता, क्योंकि ऐसी दशा में मामला बहुत ही संगीन हो जाता। वह पवन के क्रोध से किसी प्रकार नहीं बच सकता था। राजेश की प्रकृति को तो वह अच्छी तरह जानता था। वह अपने मामलों को बस अपने ही तक रखता था, पवन से कभी शिकायत नहीं करता था, बल्कि खुद ही निपट लेता था। मगर गाड़ी ले भागने की दशा में स्थिति बिगड़ जाती। उन्हें कहीं का सफर करना था, गाड़ी ले जाने के कारण उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता और फिर बात निश्चय पवन तक पहुंचती। वह कंपाउंड से बाहर निकल आया। इस समय किसी खाली टैक्सी का मिलना असंभव ही था। यह तो बस एक संयोग था कि पास ही एक खाली टैक्सी खड़ी मिल गई और वह तेजी से उसी ओर बढ़ा। अंदर अंधेरा था, ड्राइवर अपनी सीट पर मौजूद था। नायक ने दरवाजा खोला और पिछली सीट पर बैठते हुए ग्रैंड कहा, ग्रैंड होटल। डैशबोर्ड पर मीटर जल उठा और टैक्सी चल पड़ी। कुछ देर बाद नायक ने महसूस किया कि टैक्सी ग्रैंड होटल के रास्ते पर नहीं जा रही है। अरे भाई, तुम किधर जा रहे हो, उसने ड्राइवर को संबोधित किया, और प्रत्युत्तर में अगली सीट से खनकता हुआ नारी अट्टहास सुनाई पड़ा। मैं एक औरत हूँ श्रीमान, ड्राइवर की सीट से आवाज़ आई। औरत, नायक उछल पड़ा। जी हाँ, और आप मुझे पसंद करेंगे। लेकिन इसका क्या मतलब? ये मेरी तफरी है। क्या, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, तो फिर यह कि मैं तुम्हें अपना मेहमान बनाना चाहती हूँ। अर्थात कि, नायक हकला कर रह गया। अपनी उद्दंड प्रकृति को बहलाए रखने के लिए भांति भांति के मार्ग अपनाती रहती हूँ, मगर इसका विचार रखते हुए कि उससे किसी को किसी प्रकार की हानि न पहुँचे। मैं नहीं समझा। बिल्कुल बुद्धू मालूम होते हो, वह बात समाप्त करके हंस पड़ी। नायक कुछ नहीं बोला। विचित्र प्रकार की सनसनी सारे शरीर में फैल कर रह गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हर्षित होना चाहिए या चलती गाड़ी से छलांग लगा देने में कुशल होगा। पता नहीं वो कौन थी और उसे कहाँ ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने भर्राई हुई आवाज में पूछा, क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ? शौक से, मुझे सिगरेट का धुआं बुरा नहीं लगता। नायक ने कांपते हुए हाथों से सिगरेट सुलगाई। वह सौंदर्य का पुजारी था और अपने आप को बड़े गर्व के साथ औरतों का रसिया कहा करता था, मगर आज तक ऐसी किसी सिचुएशन से पाला नहीं पड़ा था, इसीलिए पसीने छोड़े जा रहा था। काफी देर के बाद गाड़ी एक इमारत के कंपाउंड में दाखिल हुई और फिर रुक भी गई, मगर नायक बैठा रहा। औरत उतरी और उसने पिछली सीट का दरवाजा खोलकर बड़े प्यार से कहा, अब इस प्रकार से सेवा भी कराओगे? उतर आओ राजकुमार। जी हाँ, नायक ने कहा और बौखलाए हुए भाव से गाड़ी से उतर आया और औरत को देखने लगा। औरत उसका हाथ पकड़कर एक ओर चलने लगी। कंपाउंड में अंधेरा फैला हुआ था और इमारत में भी कहीं रोशनी नजर नहीं आती थी। नायक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल सीधे खोपड़ी में धड़क रहा हो। औरत की चाल तेज नहीं थी, भाव बिल्कुल टहलने का सा था। नायक उसके साथ घसीटता रहा। अंधकार इतना गहरा भी नहीं था कि रास्ता ना दिखाई देता। वह ग्रुव वाटिका के एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जिसके दोनों ओर फूलों की क्यारियां थी। फिर वह तीन सीढ़ियां तय करके बरामदे में पहुंचे। फिर औरत ने दरवाजा खोला, मगर अब भी रोशनी नहीं थी। नायक सोचने लगा कि आखिर वह किसी जगह का बल्ब क्यों नहीं जला रही है। दरवाजे से गुजरकर वह एक गलियारे में दाखिल हुए। औरत ने अब भी बल्ब नहीं जलाया। वह नायक का हाथ पकड़े हुए चल रही थी। अगर ऐसा ना होता तो इतने गहरे अंधेरे में एक कदम भी उठाना मुश्किल था। नायक के दिल की धड़कन तेज होती रही और वह अपने आप को उल्लू का पट्टा समझने पर विवश हो गया था। अचानक एक जगह रुककर औरत ने रोशनी कर दी। नायक की आंखें चौंधियाने लगी और फिर जब औरत पर नजर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे सूरज एक पीते पर आकर आ गया हो। ऐसा सौंदर्य आज तक उसकी नजरों से नहीं गुजरा था।
लेकिन साथ ही साथ ये अनुभूति भी मस्तिष्क के किसी कोने में मौजूद थी कि इसे पहले भी कहीं देखा है। सौदा बुरा तो नहीं रहा, औरत ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। मैं क्या बताऊं, नायक जी भी हंसी के साथ बोला। तुम नायक हो ना, औरत ने एकदम गंभीर होकर पूछा। नायक चौंक पड़ा, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी हो गई। तुम नायक ही हो ना, वो फिर मुस्कुराई। हाँ मेरा नाम नायक ही है, मगर तुम क्या जानो? न जानती होती तो तुम्हें पहचानती कैसे, तुम्हारा नाम कैसे लेती? नायक कुछ नहीं बोला। उसमें देखने वाले भाव में अब भी विस्मय मौजूद था। काफी देर से देख रहे हो, वो मुस्कुराती हुई बोली। अब स्मरण शक्ति पर जोर दो तो हो सकता है कि मुझे पहचान भी लो। मैं पहचान तो नहीं सका, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, नायक ने कहा। अब देखो, औरत ने अपने चेहरे का एक कोना बदलते हुए कहा। थारसा, नायक के कर्ण से घुटी सी आवाज निकली। बैठ जाओ, उसने आज्ञा सूचक स्वर में कहा। नायक कांपती हुई टांगों से चलकर बड़ी कठिनाई से सोफे तक पहुंचा। आराम से बैठो, आराम से, डरने की जरूरत नहीं, नायक ने खुद को संभालने की कोशिश की और अकड़ कर बैठ गया। बड़ा परिहासजनक लग रहा था। राजेश किस चक्कर में है, अचानक वह पूछ बैठी। नायक एक लंबी सांस लेकर सोफे से टिक गया। वह सोच रहा था कि यह तो बहुत बुरा हुआ। राजेश से उसे हार्दिक घृणा थी। राजेश को वह अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता था, मगर यह समस्या तो राजेश की निजी समस्या तो नहीं थी। उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरी बात का उत्तर दो, थारसा ने कहा। वो अपने चक्कर किसी को नहीं बताता, उसके आदेश ठीक समय पर मिलते हैं, नायक ने कहा। तुम झूठ बोल रहे हो नायक। विश्वास कीजिए मदाम। कैसे विश्वास कर लूं, वो फिर मुस्कुराई। तुम्हारी आंखें साफ बता रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं किस प्रकार विश्वास दिलाऊं? आपकी बड़ी इज्जत करता हूं और कदाचित यह भी जानती होगी कि हम दोनों एक दूसरे से हार्दिक घृणा करते हैं। जानती हूं, थारसा हंस पड़ी, मगर साथ ही साथ यह भी जानती हूं कि इस घृणा के बाद भी तुम उसे धोखा नहीं दे सकते। ऐसी कोई बात नहीं मदाम, मेरा वश चले तो उसकी हड्डियां तोड़ दूं, नायक ने उत्तेजित होकर कहा। तुम तोड़ सकते हो, लेकिन इसे नहीं पसंद करोगे कि कोई दूसरा उस पर हाथ उठाए। उसका कोई भी साथी उसे धोखा नहीं दे सकता। मैं फिर कहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं, काश मुझे उसका प्रोग्राम मालूम होता। हाँ, ये अवश्य बता सकता हूँ कि जो मुझे मालूम है। क्या मालूम है तुम्हें? वह इस समय उसी इमारत में मौजूद है जिससे मैं बाहर निकला था, ये तो मैं खुद ही जानती हूँ, उसने कहा और फिर हंसती हुई बोली। मुझे यह भी मालूम है कि कुछ ही देर पहले तुम दोनों झगड़ चुके हो। नायक का मुंह आश्चर्य से खुल गया। किस बात पर झगड़ा हुआ था, थारसा ने पूछा। आप खुद ही जानती होगी, नायक ने मुंह बनाकर कहा। वो बोली। वह नायक की आंखों में देखती हुई मुस्कुराई। जूली, आपका विचार सच है, मैं जूली को चाहता हूं। और वह? भगवान जाने, नायक ने घृणा के साथ कहा। जूली तुम्हें मिल सकती है। वो किस प्रकार, नायक ने लहक कर पूछा। राजेश के प्रोग्राम के बारे में मुझे बताओ। म्यूरो की मौत के बाद अब वह क्या करना चाहता है, थारसा ने बड़े मोहक ढंग से पूछा। मैं इसके बारे में जानता होता तो अवश्य बता देता। छोड़ो, तुम मेरे मेहमान हो, क्या पियोगे? बहुत बहुत धन्यवाद, कष्ट न कीजिए। ऐसा भी क्या, तुम बैठो, मैं अभी आई। वो कमरे से चली गई। नायक की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। विचित्र औरत है, उसने सोचा। यही काम वह अपने किसी आदमी से ले सकती थी। किसी औरत का किसी मर्द को इस प्रकार हर लाना बड़ा सनसनीपूर्ण लग रहा था। वह सोफे से उठ गया और सोचने लगा कि इस इमारत में थारसा के अतिरिक्त और कोई नहीं मालूम होता तो फिर क्यों न वह निकल भागे। वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा, मगर अभी दरवाजे से बाहर कदम भी निकालने नहीं पाया था कि किसी के रिवॉल्वर की नाल उसके सीने से आ लगी और उसे पीछे धकेल दिया गया। तीन भीमकाय निग्रो कमरे में घुसाए थे। पिछली ओर से थारसा की आवाज आई। नायक, ये बहुत बुरी बात है कि तुम एक अच्छे आतिथ्यकर्ता का दिल तोड़ने जा रहे थे। मैं माफी चाहता हूँ मदाम, नायक कांपती हुई आवाज में बोला। कोई बात नहीं, अब एक अच्छे अतिथि के समान आराम से बैठ जाओ, थारसा ने हंसते हुए कहा। मगर अभी तक वह सामने नहीं आई थी, पीछे ही से बोल रही थी। नायक फिर सोफे पर बैठ गया। ऐसा लगता था जैसे थारसा की आज्ञा मानने पर वह विवश हो। अचानक वह तीनों निगरो उस पर टूट पड़े। यह इतना आकस्मिक था कि नायक अपनी रक्षा ही नहीं कर सका था। उन तीनों ने हमला करते ही उसे इस प्रकार जकड़ लिया था कि वह अपना शरीर भी हिला नहीं सकता था। इस समय पीछे से थारसा का
मधुर अट्टहास सुनाई पड़ा और फिर दूसरे ही क्षण नायक ने अपनी बाई भुजा में तेज चुभन महसूस की और गर्दन मोड़कर बेबसी से देखा। थारसा उस पर झुकी हुई भुजा में इंजेक्शन दे रही थी। लाल रंग का तरल पदार्थ शीशे की सिरिंज में भरा हुआ था। जैसे ही सिरिंज खाली हुआ, थारसा वहां से हट गई और उसी समय नायक का सर एकदम से चकरा गया और फिर बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाता चला जा रहा था। ठीक क्षण बाद उसे महसूस होने लगा कि अंधकार दूर होता जा रहा है। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखना आरंभ किया। कमरे की हर वस्तु प्रतिक्षण पहले साफ दिखाई देती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की रोशनी पहले से अधिक बढ़ गई हो। अब थारसा अपने संपूर्ण सौंदर्य और आकर्षण के साथ उसके सामने थी। नायक उसका मोहक और चित्ताकर्षक सौंदर्य देखता ही रह गया। उसका दिल चाह रहा था कि थारसा के कदमों में अपना सर रख दे और उससे विनती करे कि वह हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, वो उसे अपना सेवक बना ले। प्राचीन काल के खरीदे हुए गुलामों के समान वह जीवन भर हर प्रकार की सेवा करता रहेगा, कभी किसी प्रकार की शिकायत का मौका उसे नहीं देगा। थारसा के अधरों की मुस्कान प्रतिक्षण और अधिक मोहक होती जा रही थी। उजाला फैलते फैलते वह उस स्थान तक पहुंच गए जहां से बड़ी दराड़ सीमा की दूसरी ओर की बस्ती की ओर जाती थी। चौहान, माथुर, कपिल, अजय, मदन, थेलमा सहित राजेश के साथ थे और इन सब में कोई भी अपनी असल शक्ल सूरत में नहीं था। इन्होंने सरहद पार करने के बाद सीमा रक्षकों जैसी वर्दियां पहन ली थी। मेरी समझ में नहीं आता कि नायक कहाँ गायब हो गया। थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई ये सवाल कर बैठता। अंतिम बार राजेश ने झल्ला कर कहा, नर्क में। बस अब उसका नाम किसी के मुंह से नहीं निकलना चाहिए, वापसी पर देखूंगा। लेकिन कम से कम ये पूछने का अधिकार तो हमें भी प्राप्त है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कपिल ने कहा। इस समय हम उस बस्ती में जा रहे हैं जिसका उल्लेख मैंने किया था और हम इस ओर से सीमा रक्षकों की वर्दियों में हैं। थेलमा हमारी कैदी है जो इन पहाड़ियों में भटक रही थी। इसके पास से ऐसे कागजात बरामद नहीं हो सके जिनसे इसके असल व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतने घुमाव फिराव की क्या आवश्यकता थी? क्या हम खामोशी के साथ उस बस्ती पर छापा नहीं मार सकते थे? चौहान ने पूछा। वास्तव में लड़ाई भिड़ाई मैं नहीं चाहता, राजेश ने कहा। मैं शुगर बैंक का मार्ग मालूम करना चाहता हूँ। मार्ग मालूम करने का यह ढंग समझ में नहीं आया। बिना किसी उत्पात और लड़ाई भिड़ाई के गालविदा पर अधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ, राजेश ने कहा। यह तुम पहले भी कह चुके हो, अजय ने कहा। अगर यही बात है तो फिर इस प्रकार समय क्यों नष्ट कर रहे हो, कपिल बोला। बस देखते जाओ, राजेश के अधरों पर मुस्कुराहट फैल गई। थेलमा को शायद पहली बार अपनी हैसियत मालूम हुई थी, इसलिए वह भी कुछ बोलने के लिए बेचैन थी। जैसे ही खामोश हुई, उसने राजेश की भुजा पकड़कर कहा, तो मैं कैदी हूँ? नहीं, बस केवल कैदी के रूप में हूँ। मगर क्यों? इस प्रकार मैं गालवेदा को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ नहीं थी। हमने तुम्हें पकड़ा अवश्य था, मगर तुम हमारे बंधन से निकलकर इन पहाड़ियों में भटक रही थी कि अचानक सीमा रक्षकों के गश्त दल के हाथ लग गई। मुझे डर लग रहा है, थेलमा ने कहा। मैं तुम्हारी रक्षा की जमानत देता हूँ। क्या तुम्हें संतुष्ट कर देने के लिए मेरे लिए जमानत और मेरा यह वचन काफी नहीं है? थेलमा चुप हो गई। फिर दराड़ में दाखिल होने से पहले राजेश ने कहा, तुम लोग इसी ओर ठहरो, पहले मैं अकेला जाऊंगा। क्यों? सब ने एक साथ पूछा। दो दिन पहले की स्थिति कुछ और थी, अब कुछ और हो सकती है। हमारे संबंध में उनके चार आदमी गायब हो चुके हैं। हो सकता है कि वह सावधान हो गए हो। कोई कुछ नहीं बोला। राजेश अकेला दराड़ में दाखिल हो गया। दराड़ में पहले ही के समान अंधकार था, मगर राजेश ने इस बार टॉर्च नहीं जलाई थी और पैरों से चलने के बजाय सीने के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। दराड़ के दूसरे सिरे तक सन्नाटा ही रहा। दराड़ पार भी कर ली, मगर किसी ओर से किसी प्रकार की रोक टोक नहीं हुई। वह फिर अपने साथियों की ओर पलट पड़ा। अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था। उसके साथी बड़ी बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजेश को वापस सकुशल लौटा देखकर उन्होंने संतोष की सांस ली और फिर राजेश का संकेत पाकर वह सब भी उसके साथ दराड़ में दाखिल हुए। थोड़ी देर बाद वह सब उस स्थान पर खड़े थे जहां से गालवेदा के साथियों की बस्ती दिखाई देती थी। पूर्वी क्षितिज में लालिमा फैलने लगी थी। पहाड़ी कीड़े मकोड़े और पक्षियों की इक्का दुक्का आवाजें वातावरण को रहस्यपूर्ण बनाए हुए थी। राजेश ने दूसरी ओर जाने के लिए वही रास्ता अपनाया जिससे अपने कैदियों सहित कुछ दिन पहले दराड़ तक वापसी का सफर किया था। फिर वह बस्ती की ओर बढ़ने लगा। वह कुछ इस तरह खामोशी के साथ चल रहे थे जैसे किसी अर्थी के साथ हो। थेलमा का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। क्या तुम डर रही हो, राजेश ने धीरे से पूछा। तुम्हारे साथ रहकर डरने का सवाल ही नहीं पैदा होता,
वह जबरदस्ती हंसकर बोली, हाँ बिल्कुल चिंता न करो, हम पूरी तरह तुम्हारी रक्षा करेंगे। राजेश ने कहा, तुम मेरी चिंता न करो। फिर खामोशी छा गई। वह बस्ती से निकट जा पहुंचे। सूरज ने सर उभारा और भीगी भीगी सी लाल रश्मियां पहाड़ियों की चोटियों पर कपकपाने लगी। बस्ती सुनसान पड़ी थी, ऐसा लगता था जैसे सारे झोपड़े बिल्कुल वीरान हो। राजेश स्थानीय भाषा में चीख कर कुछ कहने लगा, मगर कहीं से किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आई। मुझे तो खतरा मालूम हो रहा है, चौहान ने धीरे से कहा। लक्षण अच्छे नहीं है, मदन सर हिलाकर बोला। और सचमुच मदन का विचार सच ही निकला, लक्षण उनके अनुकूल नहीं थे। वो सारे झोपड़े खाली थे, एक आदमी भी कहीं नजर नहीं आया। ऐसा मालूम पड़ता था जैसे पूरी बस्ती महीनों से उजाड़ पड़ी हो। मेरा विचार है कि चोट हो गई है, राजेश ने कहा। अगर वह गायब न होते तो मैं समझता कि बिल्कुल ही गधे है, चौहान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। पहला कारण तो यह था कि गालवेदा पहले ही जख्मी हो गया। दूसरा कारण यह है कि उसके जख्मी होने के बाद उसके चार आदमी भी गायब थे। क्या ये दोनों बातें उनके सावधान हो जाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, चौहान ने कहा। ठीक कह रहे हो, अजय बोला। यही नहीं बल्कि गालवेदा को तो इस बात पर विश्वास हो जाना चाहिए था कि हमारी ओर से जबरदस्त छापा मारा जाएगा। राजेश जो उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था एकदम से हंस पड़ा। क्या इस हंसी का मतलब यह समझ लिया जाए कि तुम मेरे विचारों की हंसी उड़ा रहे हो, चौहान ने उसे घूरते हुए पूछा। पवन के सहायकों की हंसी उड़ाने का भला मैं कैसे साहस कर सकता हूँ, राजेश ने कहा। तो फिर मैं उनकी आशाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, राजेश ने कहा। क्या बात हुई, मदन ने चकित होकर पूछा। उन्होंने झोपड़े तो अवश्य खाली कर दिए हैं, मगर मुझे विश्वास है कि वह कहीं आसपास ही चट्टानों में छिपे अवसर की ताक में बैठे होंगे। और आप ये चाहते हैं कि वह अवसर उपयुक्त देखकर अचानक हम पर हमला कर दे, मदन ही ने कहा। हाँ लेकिन हम भी तो असावधान नहीं है, हो सकता है कि हमले के लिए अवसर उन्हें उपयुक्त जान पड़े वही हमारे लिए भी उपयुक्त साबित हो। तो फिर यही डेरा डाला जाए, चौहान ने चुपते हुए स्वर में पूछा। जब डेरा डालने के लिए स्थान मौजूद है तो फिर यहाँ क्यों, राजेश ने मुस्कुराकर कहा। फिर इसका मतलब तुमसे पूछता होगा, अजय बोला। झोपड़ियाँ खाली पड़ी है, उन्हीं में डेरा जमाया जाए ताकि इत्मीनान से नाश्ता भी किया जा सके, और हमारे इसी इत्मीनान के मध्य व चट्टानों से मिलकर हमारा नाश्ता करने लगेंगे, चौहान ने तल्ख लहजे में कहा। राजेश कुछ नहीं बोला, शायद ये उलझना नहीं चाहता था, मगर अपनी ही बात पर अड़ा रहा। और फिर विवश होकर सबको खाली झोपड़ों में डेरा जमाना ही पड़ा। राजेश के चेहरे पर उलझन के लक्षण थे, वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर के बाद उसने संकेत से मदन को अपने पास बुलाया। क्या बात है, मदन ने निकट आकर धीरे से कहा। क्या तुम नायक के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो, मुझे आश्चर्य है, मदन ने कहा। आश्चर्य की बात ही है, राजेश ने कहा। अगर वो हमारे साथ नहीं आना चाहता था तो उसे अपने होटल में मौजूद रहना चाहिए था, मगर वो वहां भी नहीं था। तो आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, खतरा नजर आ रहा है, राजेश ने कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मदन ने कहा। हमें पूरी तरह सावधान रहना चाहिए, वो चारों बंदूक तैयार रखो, उनमें काफी राउंड मौजूद है, राजेश ने कहा। मैंने उन्हें पूरी तरह समझ लिया है और तमाम साथियों को भी उनके प्रयोग की प्रणाली समझा दी है। मेरा विचार है कि चौहान, माथुर, कपिल और अजय को उन बंदूकों सहित छिपा दिया जाए और हम लोग यही ठहरे, राजेश ने कहा। आपकी राय मुनासिब है, मदन ने कहा। उनसे बातें करो, देखो क्या कहते हैं, राजेश ने कहा। मदन ने चारों को एक जगह करके जब यह स्कीम बताई तो चारों को पसंद आई, और फिर जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद राजेश ने उनको आसपास की चट्टानों में छिपा दिया और खुद उस झोपड़े में आ गए जिसमें थेलमा अकेली बैठी थी। मेरा विचार है हम सचमुच फंस गए हैं, राजेश ने कहा। मदन या थेलमा ने कुछ नहीं कहा। जोली को फिर नींद नहीं आई थी, उसे पता चल गया कि नायक गायब हो गया है, यही बात उसकी चिंता की कारण थी। वह उसकी नीच प्रकृति को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए सोच रही थी कि कहीं वह राजेश के लिए कोई कठिनाई न पैदा कर दे। स्लीपिंग गाउन की डोरी कसती हुई वह खिड़की के निकट आ खड़ी हुई। कंपाउंड का सलाखोदार फाटक यहाँ से साफ नजर आ रहा था। उसने देखा कि कोई सलाखों से टेक लगाकर जमीन पर बैठा हुआ है। यद्यपि वह फाटक के उस पार था, लेकिन फिर भी जोली फाटक तक जाकर उसे देखने की इच्छा को दबा न सकी। बैठा रहने वाला आदमी ओवरकोट और हैट पहने हुए था। जोली दरवाजा खोलकर बाहरी बरामदे में आई, कुछ क्षण तक खड़ी ना जाने क्या सोचती रही, फिर फाटक की ओर बढ़ी।
फिर वह गेट तक आ पहुंची, मगर उस आदमी ने मुड़कर उसकी ओर नहीं देखा। हालांकि उसके टॉप हिल जूते ग्रोव वाटिका के रास्ते पर खासी आवाज से बजते रहे थे। वह फाटक की निचली खिड़की खोलकर बाहर निकल आई। नायक, उसकी जबान से निकल पड़ा, मगर नायक की पोजीशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। फैली हुई आंखों से उसे देखता हुआ पलके झपकाता रहा, अपने स्थान से हिला भी नहीं। क्या तुम नशे में हो? जोली ने बुरा सा मुंह बनाकर पूछा। नायक ने नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया और पहले ही कैसे भाव में देखता रहा। उठो, वो झल्ला कर बोली। मेरे पैरों में शक्ति नहीं है, वो कमजोर आवाज में रुक रुक कर बोला। क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? जोली चौंकती हुई बोली। वो मुझे यहाँ बैठा गए है। वो कौन? नायक ने कोई उत्तर नहीं दिया। बोलते क्यों नहीं? जोली झल्ला उठी। थारसा के आदमी। ओह, जोली उछल पड़ी, उसके नेत्रों में आतंक भर गया। कुछ क्षण तक वह सोचती रही, फिर बोली, क्या वह तुम्हें पकड़ ले गए थे? हाँ, उसने इस प्रकार कहा जैसे किसी मार खाए हुए बच्चे से कुछ पूछने पर सिसकी ली हो। फिर क्या हुआ? उन्होंने नायक रुक गया। जोली तेज नजरों से उसे घूरने लगी। उन्होंने मुझसे गालवेदा और राजेश के बारे में मालूम कर लिया। क्या? वो बौखला कर कई कदम पीछे हट गई और नायक को फिर घूरने लगी। उसकी आंखें ज्वाला बरसा रही थी। नायक का चेहरा बिल्कुल सपाट था और जोली उसकी बात सुनकर चकरा गई थी। सोच रही थी कि कहीं वह मार्ग में ही घेर न लिए गए हो। तुम कब उनके हाथ लगे थे? यहां से निकलते ही, नायक ने पूछा। उसके फौरन बाद ही तुमने कब कुछ सब कुछ बता दिया था? आधे घंटे के अंदर अंदर। तुम्हें शर्म नहीं आती इस झिटाई से इसके बारे में बता रहे हो? जोली चीख पड़ी। ठहरो, जरा देर ठहर जाओ, मैं कुछ शक्ति महसूस कर रहा हूँ, शायद कुछ देर बाद पैरों पर भी खड़ा हो सकूं, सब कुछ बता दूंगा। जोली फिर मौन होकर उसे देखने लगी। कुछ देर बाद नायक ने एक ओर मुड़कर फाटक की सलाखें थामी और उठने की कोशिश करने लगा। जब जोली ने देखा कि वो बिना उसकी सहायता के खड़ा नहीं हो सकता, तो उसने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। बड़ी कठिनाई के बाद नायक खड़ा हो गया, मगर उसकी टांगें कांप रही थी। जोली ने उसे खिड़की से गुजारना चाहा। नहीं, नायक करा उठा, मेरा सारा शरीर अकड़ कर रह गया है, मैं दोबारा न झुक सकूंगा, किसी तरह फाटक खोलो। जोली ने फाटक खोल दिया और नायक उसके कंधे का सहारा लेकर धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ने लगा। कमरे में लाकर उसने एक सोफे पर उसे बैठाया और बोली, अब जल्दी से पूरी बात बता डालो। नायक उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। जब वो मौन हुआ तो जोली ने भर्राई हुई आवाज में पूछा, तो वो खुद थारसा ही थी? हाँ, नायक ने उत्तर दिया। तुम्हें विश्वास है? हाँ, वो थारसा ही थी। जोली फिर उलझन में पड़ गई। नायक की कहानी सुनने के बाद उसे पूरा विश्वास हो गया था कि राजेश तथा उसके साथी अवश्य घेर लिए गए होंगे। क्या सोचने लगी? नायक ने टोका। कुछ नहीं, जोली बोली, क्या तुम उन स्थानों की निशानदेही कर सकोगे जहां जहां का उल्लेख राजेश ने किया था? नहीं, मैं तो उनके साथ था नहीं। ये तो बुरा हुआ नायक, बहुत ही बुरा हुआ। जोली व्याकुल होटी। मैं क्या करूं? वो इंजेक्शन, उसने तो अचानक चमत्कारिक ढंग से मेरा व्यक्तित्व ही बदल कर रख दिया था, वरना यदि वह मेरी खाल भी उड़ा देते तो मैं कुछ न बताता। राजेश से मुझे व्यक्तिगत शत्रुता तो हो सकती है, लेकिन ये मामला तो व्यक्तिगत नहीं था। जोली कुछ नहीं बोली। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो मुझे बेकार समझ कर यहाँ डाल गए है। क्यों बेकार? क्यों बेकार? इसलिए कि राजेश को ठीक समय पर इसकी सूचना नहीं दे सकूंगा। मुझे नहीं मालूम कि वह लोग किस ओर गए हैं, और खुद मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि दौड़ धूप कर सकूं। उन्होंने मुझसे सब कुछ पूछ लिया था। तुम इमारत की निशानदेही कर सकोगे? किस इमारत की? नायक ने पूछा। जिस इमारत में थारसा तुमको ले गई थी। अवश्य कर सकूंगा, वो इमारत रेड क्रॉस रोड पर है, फाटक के खंभों पर शेर के सर बने हुए है। तुमने शायद यह भी तो कहा था कि पूरी इमारत अंधकार में डूबी हुई थी। हाँ, तो फिर तुमने शेर के सर कैसे देख लिए? मैंने इमारत को अंधकार में डूबा हुआ कहा था, फाटक को नहीं। क्या बात हुई? शेर के सर फाटक के खंभों पर थे और फाटक सड़क पर था, सड़क के पोल के बल्ब जल रहे थे। जोली ने कहा और कुछ सोचने लगी। नायक उसके चेहरे की ओर देखता रहा। अचानक जोली ने सर उठाया और कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम कर ही क्या सकते हैं? नायक ने बेबसी से कहा। मेरे और तुम्हारे अतिरिक्त और यह है ही कौन? पवन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस केस का इंचार्ज राजेश है, किसी भी मामले से मुझे डिस्टर्ब न किया जाए, लेकिन फिर भी सूचना तो देनी ही पड़ेगी। तुम जानो मैं क्या कह सकता हूँ। तो क्या तुम ये समझ रहे हो कि तुमको इसकी सजा नहीं मिलेगी?
जूली आंखें निकालकर बोली, मैं कर ही क्या सकता था। क्यों, क्या तुम जबान बंद नहीं रख सकते थे? होश होता तब तो मैं कुछ सोचता। वो इंजेक्शन, ओह समाप्त करो, मैं भूखा हूँ, कुछ खिला दो, उसके बाद मुझे अपनी मौत की भी परवाह नहीं होगी। अच्छा ठहरो, देखती हूँ। वह उसे ड्राइंग रूम में छोड़कर किचन की ओर चली आई, मगर सोच रही थी कि क्या कमल को भी इस मामले में शामिल कर लिया जाए। कुछ तो करना ही चाहिए, राजेश उस पर विश्वास करता है। उसने जल्दी जल्दी कुछ अंडे तोड़कर ऑमलेट बनाए और चाय की केतली हीटर पर रख दी। इस समय यह सब कुछ करते हुए उसे बहुत ही खल रहा था, मगर करती भी क्या। नायक की दशा ठीक नहीं थी, वह सचमुच दया का पात्र था। नाश्ते के बाद नायक की आंखें बंद होने लगी और फिर वह कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया। जूली उठी और तेजी से कपड़े बदलने लगी। तैयार हो जाने के बाद खाने की मेज पर एक तहरीर नायक के लिए छोड़कर बाहर निकल आई और मकान में ताला लगा दिया। कुछ देर बाद उसकी कार कमल के निवास स्थान की ओर जा रही थी। आज का सवेरा कमल के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ था। पिछली रात ठीक से सोने को नहीं मिला था और बहुत सवेरे उठने की आदत थी, इसलिए बिस्तर छोड़ ही देना पड़ा। बदन टूट रहा था और लंबी लंबी जमाइयां आ रही थी। वह सोच रहा था कि आज का दिन कैसे बीतेगा। दिन में नींद आने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि अपने होश में तो वह कभी भी दिन में नहीं सोया था। नाश्ते के बाद वह बाग में क्यारियां ठीक करने लगा। समय व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। कुछ अधिक देर नहीं गुजरी थी कि जोली की गाड़ी कंपाउंड में दाखिल हुई और वह खुशी के मारे उछल पड़ा। मगर जोली के चेहरे पर प्रफुल्लता न देखकर उसका दिल धड़कने लगा। उसे याद आ गया कि उसने राजेश के संबंध में उससे बहुत सी गलत बातें कही थी। हो सकता है कि राजेश से इसने वही सब कुछ कहा हो और राजेश ने अपनी आदत के अनुसार कुछ उल्टी सीधी सुनाई हो। वह अपराधियों के समान दम साधे खड़ा रहा। जोली खुद चलकर उसके निकट आई। शुभ प्रभात मामोजियल, उसने थकी थकी सी आवाज में उसका अभिनंदन किया। शुभ प्रभात कमल, जोली ने कहा। मामोजियल शायद, हाँ कमल, जोली ने बात काट दी, हम एक बहुत बड़ी विपत्ति में फंस गए हैं। कहिए मामोजियल, मेरे योग्य कोई सेवा? समय बहुत कम है कमल, हो सकता है कि हमें पहाड़ी विकट हाथों पर भी चलना पड़े, इसीलिए जो कुछ आवश्यक समझो अपने साथ ले लो, मकान में ताला लगा दो। क्या यह मौसी और राजेश की आज्ञा है मामोजियल? नहीं, यह एक आवश्यकता किया जा रहा है। कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। लेकिन मामोजियल मैं विवश हूँ। क्या मतलब? आपने जो कुछ कहा है मौसी और राजेश की आज्ञा उसके विरुद्ध है। उसकी आज्ञा क्या है? नहीं कि उनकी आज्ञा के बिना मैं इस इमारत की सीमा से बाहर कदम न निकालूं। लेकिन खुद राजेश का जीवन खतरे में है, वह सब फंस गए हैं, नायक पंगुल होकर रह गया है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं रास्ते में सब कुछ बता दूंगी। मौसी और राजेश का जीवन खतरे में है, तब तो मुझे सोचना पड़ेगा। सोचने का समय नहीं है कमल, जल्दी करो, जोली व्याकुल होकर बोली। अच्छी बात है मामोजियल, कमल ने लंबी सांस खींची। कुछ देर बाद जोली की गाड़ी फिर कमल के मकान के कंपाउंड से बाहर निकल रही थी, लेकिन इस बार उसे कमल ड्राइव कर रहा था। जोली उसके बराबर बैठी हुई थी। मामोजियल, कमल ने कहा। हाँ, जोली जैसे चौक सी पड़ी। मैं बड़ी उलझन में हूँ। क्यों, आपने मौसी और राजेश के बारे में कुछ बताया नहीं? ओ, जोली ने लंबी सांस खींची। तुम म्यूरी के माध्यम से राजेश तक पहुंचे हो ना? जी हाँ, और राजेश तुम पर विश्वास भी करता है, ये तो वही जान सकते हैं। मैं भी जानती हूँ कि वह तुम पर विश्वास करता है, तब तो ठीक होगा। तो क्या राजेश ने तुम्हें यह नहीं बताया कि आजकल वह क्या कर रहा है? कुछ तो जानता हूँ। क्या? कोई औरत उन्हें उड़ा ले गई थी। जहाँ रखा था उस स्थान का नाम शायद शुगर बैंक था, और फिर वह उनको सरदारगढ़ पहुंचा गई थी, मगर उनको शुगर बैंक का मार्ग न मालूम हो सका था। अब उनको उसी मार्ग की तलाश है। शायद इस संबंध में म्यूरी उनकी सहायता करना चाह रहा है। म्यूरी मर चुका है, जोली ने कहा। नहीं, कमल के स्वर में विस्मय था। हाँ, किसी ने उसे जहर दे दिया। कैसे? जोली जो कुछ जानती थी उसे कमल को बताती हुई बोली। और नायक बिल्कुल बेबस हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। ये थारसा है क्या भला? कमल ने पूछा। D-30B, थारसा विम्बल बी ऑफ बोहेमिया। क्या तुमने यूरोप में ये नाम नहीं सुना? कमल खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्या मतलब? जोली ने पूछा। कदाचित आप लोग भ्रम में पड़ गए हैं। साफ साफ बताओ, जोली कुछ झल्ला उठी। खाना बदोशों में एक कबीले से कई सौ साल पहले यह कथित नाम चला आ रहा है। उस कबीले का हर सरदार अल्फांसो कहलाता है और सरदार की बीवी थारसा विबिल बी ऑफ बोहिमिया कहलाता है। यह पूरा कबीला ठगबाजी और डकैती करता है।
तुम नहीं समझ सकते, जोली ने कहा। कोई आम आदमी तो इन मामलों के बारे में सोच भी नहीं सकता। थारसा बहुत ही चतुर और विवेकी औरत है और प्रगतिशील लोगों पर राज करती है। हो सकता है, कमल इस प्रकार बोला जैसे उसका दिल रखने के लिए उसकी बात का खंडन करना चाहता हो। तुम इस संबंध में क्या कर सकते हो, जोली ने पूछा। मौसी और राजेश के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, उनके एहसान मेरी गर्दन पर है। तो फिर मेरा साथ दो, मैं उसकी तलाश में जाऊंगी। मैं आपके साथ हूँ मामूजियल। जोली के आदेश पर उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जोली जल्द से जल्द घर पहुंचकर कोई ठोस प्लान बनाना चाहती थी। इमारत के कंपाउंड में दाखिल होते ही जोली का दिल बल्लियों उछलने लगा, क्योंकि वहां वही जीप खड़ी नजर आई जिसमें राजेश तथा उसके साथी इस केस के संबंध में रवाना हुए थे। पास ही एक फौजी ऑफिसर खड़ा था। आप? वो जोली की ओर बढ़ता हुआ कोमल स्वर में बोला। मिस जोली है? जी हाँ, मैं ही जोली हूँ, जोली ने कहा। क्या बात है? मिस्टर राजेश ने आपको साथियों सहित बुलाया है, कहा है वो। जोली ने अधीरता के कारण बीच में बात काट दी। वह जख्मी हो गए हैं, सीमा पार के स्मगलरों से मुठभेड़ हो गई थी। आप कौन सा आप है, जोली ने पूछा। मुझे अनीस कहते हैं, मेजर अनीस, सीमा रक्षकों में से एक। मिस्टर राजेश इस समय कहाँ है? वह और उनके साथी इस समय हमारी चौकी पर है, मेजर अनीस ने कहा। हम चलेंगे, अवश्य चलेंगे। क्या वो बहुत जख्मी है? नहीं, मामूली सा जख्म है, मगर आप रुक क्यों गए, जोली फिर व्याकुल होटी। उनके दो साथियों की हालत ठीक नहीं है, मेजर अनीस ने कहा। जोली ताला खोलकर अंदर आई। नायक अब भी उसी प्रकार कुर्सी पर बैठा गहरी नींद के आनंद ले रहा था। कमल ने उसे चिंताजनक नजरों से देखते हुए धीरे से कहा, लक्षण अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। क्या मतलब, जोली चौंक पड़ी। मुझे इन महाशय की नींद भी बेहोशी ही मालूम होती है। ओह, जोली ने कहा और नायक को जगाने लगी। नायक इस प्रकार जागा जैसे उसके कानों के निकट कोई जबरदस्त किस्म का धमाका हुआ हो। जोली ने उसे राजेश का संदेश सुनाते हुए कहा, हमें फौरन चलना चाहिए। मैं तैयार हूँ, नायक ने बड़ी सद्भावना के साथ कहा। रवानगी में जीप फुल स्पीड से जा रही थी, इसलिए मंजिल जल्द ही आ गई। मेजर अनीस ने ढलान की ओर संकेत करके कहा, वो देखिए, वो रही हमारी चौकी, उस झोपड़े में चली जाइएगा जिस पर झंडा लहरा है, आपके आदमी वही है। आप साथ नहीं चलेंगे? कोई जरूरत नहीं है मेरी, अगर कोई टोके तो मेजर अनीस से कह दीजिएगा, मुझे निकट की दूसरी चौकी का मुआयना करना है। अच्छा, खुदा हाफिज। वो उसी जीप पर वापस चला गया। मोसियो, कमल ने नायक से कहा, इधर आइए, मेरे सहारे नीचे उतर आइए। थैंक्स माय बॉय, नायक ने बड़े प्रेम से कहा। इस समय उसके स्वर में कमल के लिए का प्रेम लहरे मार रहा था। कमल ने सहारे के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। वो धीरे धीरे ढलान में उतरने लगा। कभी कभी जोली भी नायक को सहारा दे देती। नायक के कदम अब भी लड़खड़ा रहे थे। कुछ देर बाद वह समतल जमीन पर पहुंच गए। झोपड़ों का फासला यहाँ से अधिक नहीं था। जोली जल्द से जल्द उस झोपड़े में पहुंच जाना चाहती थी जिस पर झंडा लहरा रहा था, लेकिन जब वह निकट पहुंची तो ठिठक गई, क्योंकि वह अपने देश का तो झंडा नहीं था। कुछ क्षण रुक कर वह फिर आगे बढ़े। अचानक उसी झोपड़े से एक सशस्त्र आदमी निकला और बड़ी तेजी से इनकी ओर झपटा, मगर फिर झटके ही के साथ इस प्रकार रुक गया जैसे उसकी यह क्रिया मशीनी रही हो। वह भी रुक गए थे और उस सशस्त्र आदमी को घूरे जा रहे थे। वह सीमा रक्षकों की वर्दी पहने हुए था और पड़ोसी देश ही का रहने वाला जान पड़ता था। अचानक जोली ने मुड़कर नायक से कहा, अरे ये हम कहाँ आ गए, ये तो सशस्त्र आदमी ने अत्यंत रूखे स्वर में कहा, लेकिन आपने क्यों कष्ट उठाया। ओह, जोली उछल पड़ी, ये सशस्त्र रक्षक राजेश के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता था। राजेश? वो चीख कर उसकी ओर झपटी। तुम यहाँ क्यों आई हो, वो दांत पीस कर बोला। जोली को भी क्रोध आ गया, उसने झल्ला कर कहा, तुम होश में हो या नहीं, हमें मेजर अनीस यहाँ लाया है। मेजर अनीस? कौन मेजर अनीस? मैं नहीं जानती, वो तुम्हारी जीप लेकर वहां पहुंचा था और हमें यहाँ ले आया। उसने कहा था कि तुम सीमा पार के स्मगलरों के हाथों जख्मी हो गए हो और तुम्हारे दो साथियों की दशा शोचनीय है। उसने ये भी कहा था कि मिस्टर राजेश ने तुम लोगों को बुलाया है। क्या, ये जीप मेरी थी, राजेश ने पूछा। हाँ, तुम्हारी ही थी। तब तो सब कुछ चौपट हो गया, हम घेर लिए गए हैं। क्या मतलब, जोली ने घबरा कर पूछा। अब समय नष्ट न करो, नायक बोल पड़ा, आखिर वही हुआ जिसका खतरा था। क्या हुआ, कैसा खतरा, राजेश ने उस पर घूरती हुई नजर डाली। तुम नहीं जानते, यह सब कुछ मेरे कारण हुआ है। कुछ बताओगे भी, राजेश ने तीव्र स्वर में पूछा। नायक मौन रहा, उसका साहस नहीं हो रहा था कि वह कुछ कहे। अंदर चलो, राजेश ने उसे झोपड़े की ओर धक्का दिया और कमल को घूरने लगा। मैं निर्दोष हूँ मोसियो, कमल ने जल्दी से कहा। अब इसका मतलब भी मुझे पूछना होगा,
राजेश ने आंखें दररी। मामोजियल ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं इसका साथ दूं। कमल बोला, आपसे तो मैं अच्छी तरह समझूंगा। राजेश ने आंखें निकाली। मगर अंदर तशरीफ ले चलिए, राजेश ने बात काट कर कहा। कमल कांपता हुआ झोपड़े की ओर मुड़ गया। पिछली रात नायक थारसा के हत्थे चढ़ गया था, जोली ने कहा। क्या? राजेश उछल पड़ा। थारसा उसे अपने साथ उड़ा ले गई थी और हम उसे इधर उधर तलाश करते फिर रहे थे। पूरी बात बताओ। जोली ने नायक की कहानी दोहरा दी। ओह, राजेश ने लंबी सांस खींचकर कहा, हम पूरी तरह घिर चुके हैं। जोली कुछ नहीं बोली। और मेरी जीप उनके अधिकार में होने का यह अर्थ है कि उन्होंने अपनी कैदी को छुड़ा लिया है। मुझे बताओ, जोली बोली। क्या बताओ? राजेश बीच ही में भनभना उठा। क्या यह सब झूठा था मेजर अनीस? वह भी फ्रॉड था, राजेश ने कहा। ओह, तुम भी अंदर आओ। और तुम? जोली ने पूछा। मैं उन चारों की खबर लूं। और फिर राजेश बड़ी तेजी से उस ओर लपका जिधर अपने चारों सहायकों को छिपाया था, मगर पहले ही पॉइंट पर असफलता मिली। चौहान वहां नहीं था, दूसरे पॉइंट पर माथुर भी नहीं मिला, और इसी प्रकार कपिल और अजय भी अपने अपने पॉइंट पर नहीं थे। पता नहीं वो धरती में समा गए या हवा में उड़ गए थे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हुए राजेश को महसूस हुआ था जैसे कोई आसपास की चट्टानों की ओट में लेटा हुआ उसकी निगरानी कर रहा हो। अपने इस संदेह को परखने के लिए उसने ऐसी हरकतें आरंभ कर दी कि पीछा करने वाले को देख सके, और फिर एक जगह उसे पूरा विश्वास हो गया कि कोई उसकी ताक में है। मतलब ये था कि एक एक करके उन सभी को गायब कर देने की स्कीम थी। चूंकि राजेश पर अभी तक हमला करने का अवसर नहीं मिला था, इसीलिए उसकी निगरानी हो रही थी। एक जगह उसे फिर पीछा करने वाले की झलक दिखाई पड़ी। पीछा करने वाला एक बड़े पत्थर की ओट से निकलकर दूसरे पत्थर की ओट में चला गया था। राजेश ने एक क्षण तक कुछ सोचा, फिर आगे जाने की बजाय उसी पत्थर पर चढ़ने लगा जिसकी ओट में पीछा करने वाला अभी अभी गया था, और बिल्कुल छिपकलियों के से भाव में पत्थर से चिपका हुआ ऊपर की ओर खिसकता जा रहा था। अगर ऊपर पहुंचने में अधिक देर नहीं लगी, पीछा करने वाला नीचे अब भी उसी पत्थर की ओट में दुबका हुआ था। अचानक राजेश ने ऊपर ही से उस पर छलांग लगाई और दबोच बैठा। उसका एक हाथ पीछा करने वाले के मुंह पर सख्ती से जम गया था ताकि वह चिल्ला न सके, और दूसरे हाथ से उसका गला घुट रहा था। विपक्षी उसके नीचे से निकलने के लिए पूरी शक्ति लगा रहा था। अगर राजेश ने उसे अपनी दोनों टांगों में जकड़ न लिया होता तो वह अवश्य छूट जाता। धीरे धीरे विपक्षी की शक्ति कम होने लगी, अपने को मुक्ति दिलाने वाली क्रिया में सुस्ती पैदा होने लगी और फिर सांस तक रुक गई। थोड़ी ही देर में वह ठंडा हो चुका था। राजेश ने बड़ी तेजी से उसकी जामा तलाशी की। उसके पास इलेक्ट्रोगेस के अतिरिक्त और कुछ नहीं था मिला। मरने वाला एक विदेशी था, अंग्रेज नस्ल का आदमी मालूम पड़ता था। राजेश ने उसकी लाश पत्थरों के एक ढेर में इस प्रकार छिपा दी कि खास तौर पर तलाश किए जाने पर ही किसी को मिल सकती थी। वह बहुत सावधानी से काम ले रहा था। किसी मामले की एक साधारण सी बात पर भी पूरी तरह विचार करने के बाद ही कुछ करना चाहता था। नायक के कारण बहुत बड़ी चोट हुई थी। इलेक्ट्रोगेस को जेब में डालकर वह फिर झोपड़ों की ओर चल पड़ा, और जब वह झोपड़ों में दाखिल हुआ तो उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह अभी अभी किसी का गला घोटकर आ रहा है। नायक दोनों हाथों से मुंह छिपाए स्टूल पर बैठा हुआ था, और उसके अगल बगल और सामने की ओर जोली, मदन और कमल इस प्रकार खड़े थे जैसे कुछ देर पहले उसे दिलासा देते रहे हो। राजेश ने बारी बारी से सबकी ओर देखा, फिर मदन से बोला, थेलमा को यहाँ लाओ। मदन तेजी से बाहर निकल गया। जोली के भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, मगर राजेश ने उसकी ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मदन थेलमा को वहां लाया। थेलमा के दोनों हाथ पीठ पर बंधे हुए थे। अब इस स्वांग की आवश्यकता नहीं, राजेश ने कहा। क्यों? क्या मतलब? मदन ने चौंककर पूछा। पहले इसके दोनों हाथ खोल दो। क्यों? क्या हुआ? इस बार थेलमा बोली। कोई खास बात नहीं, स्कीम बदल गई है। फिर उसने मदन को संकेत किया और दोनों आगे पीछे होकर झोपड़े से बाहर निकल आए। राजेश के चेहरे पर गहरी गंभीरता छाई हुई थी। कोई न कोई खास बात अवश्य हुई है, मदन ने कहा। इन लोगों की कहानी तो तुम सुन ही चुके होंगे, राजेश ने कहा। जी हाँ, और इसी आधार पर मेरा विचार यह है कि चौहान इत्यादि को भी अब यही बुला लेना ही उचित होगा। बहुत देर हो गई मदन। क्या मतलब? मदन चौंक पड़ा। उनमें से कोई भी अपने स्थान पर नहीं है। ओह, मदन ने ठंडी सांस खींची। वो लोग अपने कैदी भी छुड़ा ले गए, वरना हमारी जीभ उनके हाथ कैसे लगती? थारसा पूरी तरह सावधान रही है और उसने एक एक बात की खबर रखी थी। जी हाँ, अब तो यही मानना पड़ेगा। खैर छोड़ो, नायक बहुत लज्जित है। तुम उसका दिल बहलाओ और अपने आप पर किसी प्रकार का भय सवार न होने दो। मदन कुछ नहीं बोला। अब तुम अंदर जाओ और कमल को भेज दो। मगर चौहान इत्यादि वो बच्चे नहीं हैं, बस जाओ।
मदन चुपचाप अंदर चला गया, राजेश बाहर ही खड़ा रहा। थोड़ी ही देर बाद कमल झोपड़े से बाहर निकला और मुर्दा सी चाल चलता हुआ उसके निकट आया। क्यों, तुम क्यों अनाथ से नजर आ रहे हो? जब आप नाराज हो जाए तो आज्ञाकारी पुत्र अनाथ से लगने ही लगते हैं मौसियो, कमल ने डरते डरते कहा। तुम जानते हो कि मैं यहाँ एकांत में तुम्हें क्यों बुलवाया है? कमल मौन रहा। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यस मौसियो, मगर मैं समझा नहीं, शायद आपका इशारा इस ओर है कि मैं वह इमारत छोड़कर इन लोगों के साथ यहाँ आया हूँ। क्यों नहीं? फिर मौसियो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी अनुपस्थिति में हमेशा मेरे मेकअप में रहना, मगर तुमने मेरे इस आदेश का पालन नहीं किया। मैं विवश हो गया था मौसियो। कैसी विवशता? जोली को संदेह हो गया था कि मैं राजेश नहीं हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह आपके जाते ही आ धमकेगी, वरना उससे पहले ही मैं अपनी असली शक्ल में आ जाता। बहरहाल तुमसे गलती हुई है और उस गलती का परिणाम मुझे भोगना होगा। परिणाम? कमल चौंकता हुआ बोला। कैसा परिणाम मौसियो? खेल बिगड़ गया। हम आए तो थे उनको घेरने, लेकिन अब खुद ही गिर गए हैं। मेरे चार साथी लापता हो गए। लापता हो गए? हाँ, मैंने उनको चार विभिन्न स्थानों पर छिपा दिया था, मगर वह वहां नहीं मिले। ये तो बहुत बुरा हुआ मौसियो। खैर चिंता न करो, देखा जाएगा, खुश रहने की कोशिश करो। हाँ, ये एक हैप्पी की परीक्षा का समय है, हम बारी बारी से पहरा देंगे, राजेश ने कहा। तो आप अंदर जाइए, पहली ड्यूटी मेरी होगी, कमल ने कहा। नहीं, आरंभ मैं करूंगा, तुम अंदर जाओ। कमल ने फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप अंदर चला गया। तो तुम अब स्थायी रूप से इन लोगों के साथ हो? थेलमा ने कमल से पूछा। हाँ हूँ तो। क्यों? कमल ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। कोई खास बात नहीं, बस वैसे ही पूछा था। हो सकता है, मगर तुमको यहाँ देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्यों? इसलिए कि तुम अपने वचन से फिर गई थी, तुमने मुझे धोखा दिया था, फिर मिस्टर म्यूरी के पास ले जाकर फंसा दिया था। मैं विवश थी। अच्छा, कमल ने व्यंग भरे स्वर में कहा। कैसी विवशता? मैं 5 साल का बॉन्ड भर चुकी थी, फिर 5 साल के अंदर उसे कैसे छोड़ सकती थी? मगर अब? कमल ने संदेह की दृष्टि से उसे देखते हुए पूछा। म्यूरी मर चुका है, अब मैं स्वतंत्र हूँ। खैर छोड़ो, मुझे अतीत से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो अतीत को भूल जाना चाहती हूँ, मगर वर्तमान तो नहीं भुलाया जा सकता। मैं नहीं समझा। मतलब यह है कि आखिर राजेश ने मेरे हाथ क्यों खुलवा दिए हैं? मैं तो ये भी नहीं जानता कि बनवाए क्यों थे, फिर खुलवाने के बारे में मैं क्या जान सकता हूँ? थेलमा उसे बताने लगी, लेकिन कमल ने उसे नहीं बताया कि स्थिति किस प्रकार पलटा खा चुकी है। थेलमा उससे पूछती रही और वह अनभिज्ञता प्रकट करता रहा। इन लोगों के चेहरों पर विचित्र प्रकार की उदासी छाई हुई थी। नायक बरसों का बीमार मालूम पड़ रहा था। मदन ने उसे यह नहीं बताया था कि चौहान इत्यादि गायब हो चुके हैं। वह बराबर उसे तसल्ली ही देता रहा था। कुछ देर बाद राजेश वापस आया और उसने मदन को पहरे पर भेज दिया। जब मदन झोपड़े से बाहर निकला तो जोली राजेश के पास आकर खड़ी हो गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे लिए क्या करूं। और प्रथम इसके कि राजेश कुछ कहता, कमल ने मैंडोलिन पर एक संगीत छेड़ दिया। तुम सब पागल हो गए हो, नायक बड़बड़ाया। थेलमा जोली को विचित्र निगाह से देखे जा रही थी। झोपड़े में मैंडोलिन का संगीत गूंजता रहा। अचानक एक विचित्र सी आवाज से वातावरण गूंज उठा। कमल के हाथ से मैंडोलिन गिर गया। आवाज विचित्र भी थी और डरावनी भी। ऐसा लगा था जैसे धरती के नीचे होने वाले किसी धमाके ने उन्हें हिलाकर रख दिया हो। औरों की बात ही क्या, खुद राजेश भी आतंकित होकर एक एक का मुंह ताकने लगा। फिर घाटी किसी मानव आवाज से गूंजी, तुम शुगर बैंक पहुंचना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा पूरी की जा रही है, बाहर निकल आओ, अधिक इंतजार नहीं किया जा सकता। आवाज किसी औरत की थी। ऐसा महसूस हुआ था जैसे यह आवाज चारों दिशाओं से आई हो, धरती से फूटी हो और आसमान से बरसी हो, और इन सब का अस्तित्व भी जैसे उसी आवाज का एक भाग बनकर रह गया हो। फिर सन्नाटा छा गया। बड़ी देर तक वह कुछ बोल न सके। अचानक राजेश ने मदन को आवाज दी। वह अंदर आया, उसका चेहरा भी धुआं हो रहा था। कुछ देखा तुमने? राजेश ने उससे पूछा। देखा तो कुछ भी नहीं, बस आवाज सुनी थी, मदन ने कहा। वो किसकी आवाज थी? जोली ने उससे पूछा। थारसा की, राजेश ने ठंडी सांस ली। कमल ने फिर मैंडोलिन के तारों को छेड़ा। समाप्त भी करो, जोली झुंझला कर बोली। नहीं, ठीक है, राजेश ने सर हिलाकर कहा। अब तुम मुझे कोई अच्छा सा संगीत सुनाओ। कमल झूम झूम कर बजाता रहा। थेलमा, नायक और जोली को मैंडोलिन की आवाज जहर लग रही थी, मगर वो कमल को रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि अब वो राजेश के कहने से बजा रहा था। मदन को जैसे इन बातों से कोई संबंध ही नहीं था। क्या मैं ड्यूटी पर जाऊं? उसने राजेश से पूछा।
नहीं, तुम भी सुनो, कमल एक अच्छा वादक है। तुम्हारे इसी पागलपन पर तो मैं मरती हूँ। थेलमा राजेश की आंखों में देखती हुई मुस्कुराई। नहीं, तुम मुझ पर जिंदा रहने की कोशिश करो, राजेश कमल की ओर देखता हुआ बोला और जोली खा जाने वाली नजरों से थेलमा को देखने लगी। फिर बोली, ये समय ऐसी बातों का नहीं, लेकिन आदमी तो फांसी के तख्ते पर भी मानने वाला नहीं। राजेश ने ठंडी सांस ली। कमल ने मैंडोलिन पर हाथ रोक कर कहा, आपका कहना सच है मुसियो, मेरा विचार है कि मामोजियल थेलमा भी आपसे प्रेम करती है। अगर आप इसी प्रकार विचार प्रकट करते रहे तो फिर यह सेवक किसी को मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रह जाएगा, राजेश ने कहा। अचानक फिर थारसा की आवाज आई। मैंने कहा था कि तुम लोग बाहर आ जाओ, तुम खुद ही अंदर आने का कष्ट करो ना, राजेश ने चीख कर कहा। मगर उसे इसका कोई उत्तर नहीं मिला। वह सब मौन बैठे रहे और एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। 3 मिनट बाद फिर आवाज आई, तुमने सुना नहीं, मैं कह रही हूं कि बाहर निकल आओ। राजेश उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि जोली ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और तेज आवाज में बोली, नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते। राजेश कुछ कहने ही जा रहा था कि आवाज फिर आई, तुम्हें शुगर बैंक चलना है, मैं आए दिन का यह शटराग ही समाप्त कर देना चाहती हूँ। तुम जब जबरदस्ती जीरो लैंड के नागरिक बनाए जा रहे हो, तुम्हारे चारों साथी इस समय मेरे अधिकार में है और तुम भी इस घाटी से नहीं निकल सकते। आवाज के समाप्त होते ही हवा का एक जबरदस्त झोंका दरवाजे से अंदर आया, जिसमें एक तीव्र प्रकार की असहनीय गंध भी सम्मिलित थी। उनके सर चकरा गए। राजेश ने सांस रोकने की कोशिश की, मगर वह गंध स्नायुओं पर कुछ इस प्रकार आक्रमण करी थी कि एक न चली। दूसरों के साथ वह खुद भी चकरा कर गिरा और बेहोश हो गया। दोबारा होश में आने के बाद यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि वह कितनी देर तक बेहोश रहा था, मगर चूंकि राजेश की कलाई पर ऑटोमेटिक और कैलेंडर वॉच थी, इसलिए उसे पता चल गया कि वह पूरे 24 घंटे बाद होश में आया है। वह एक आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था, बौखला कर उठ गया और शरीर पर अपने कपड़े न देख कर और बौखला गया। इस समय वह फौजी वर्दी के बजाय रेशमी स्लीपिंग सूट में था। एक ठंडी सांस उसके सीने से निकली। अपने शस्त्र के साथ इलेक्ट्रोगेब भी गया, अब क्या होगा। थारसा से मुकाबला करने के लिए कम से कम उसी की हैसियत का कोई शस्त्र तो होना ही चाहिए। झोपड़ी के निकट पीछा करने वालों को मारकर उसने एक इलेक्ट्रोगेस प्राप्त किया था और संतुष्ट था कि अगर उन लोगों से दोबारा मुठभेड़ हुई तो वो काम आएगा। काश थारसा की आवाज पर वो अपने साथियों सहित बाहर निकल आया होता तो संभव था कि इस समय इतना विवश न होता। वो भाग्य का भरोसा लेकर फिर लेट गया। कमरा एयर कंडीशन था और इसमें सुख की हर वस्तु मौजूद थी। वह थारसा की धमकी के बारे में सोचने लगा। उसने कहा था कि अब उन्हें जबरदस्ती जीरो लैंड का नागरिक या दूसरे शब्दों में कैदी बनाया जाएगा, ताकि यह रोज रोज का झगड़ा ही समाप्त हो जाए। राजेश ने फिर एक लंबी सांस ली और दोबारा उठ बैठा। बाई और स्टूल पर एक फोन रखा हुआ नजर आया। उसमें डायल की जगह शीशे की एक चरखी लगी हुई थी। उसके नीचे एक पुश बटन था। राजेश ने केवल देखने के लिए रिसीवर उठाकर बटन दबाया। शीशे का चरखा तेजी से घूमने लगा और उस पर एक तस्वीर उभर आई, एक लड़की की तस्वीर जिसके हाथ में फोन का रिसीवर था और वह माउथ पीस में कुछ कह रही थी। राजेश ने रिसीवर कान से लगाया, शायद वही लड़की हेलो हेलो कह रही थी। मैं होश में आ गया हूँ, राजेश ने माउथ पीस में कहा। बहुत अच्छा, होल्ड ऑन कीजिए, लड़की की आवाज आई और चरखी पर उसकी तस्वीर धुंधली होकर गायब हो गई। दूसरे ही क्षण उसी चरखी पर एक दूसरी तस्वीर दिखाई दी। यह थारसा की तस्वीर थी। वह बड़े ही मोहक ढंग से मुस्कुरा रही थी। आखिर तुम्हें होश आ ही गया, थारसा की आवाज आई। क्या मैं फिर बेहोश हो जाऊं, राजेश ने मूर्खों के से भाव से कहा। थारसा खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हें अगर मेरा होश में आ जाना बुरा लग रहा हो तो इस बार मैं खुद ही बेहोश हो जाने की कोशिश करूं, थारसा एकदम से गंभीर उठी और बोली, गंभीरता धारण करो राजेश, मैं अंतिम बार तुमसे कहती हूं, मेरे हो जाओ। मैं आजकल बहुत बड़ी उलझन में फंसा हुआ हूं, राजेश ने कहा। कैसी उलझन, 575 औरतें मुझसे यही कहती है कि राजेश तुम मेरे हो जाओ। राजेश, थारसा ने बीच ही में टोका, मगर राजेश कहता रहा, हाँ, और मैं उनमें से किसी का भी दिल तोड़ना नहीं चाहता, और आज तुमने भी यही बात कही, तो फिर ऐसा करो कि मेरे लिए एक स्वयंवर की रचना कर लो, या फिर मेरे साथ सवाल है, जो औरत 7 सवाल के सही उत्तर देगी मैं उसी का हो जाऊंगा। राजेश, थारसा ने फिर टोका, मगर राजेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अपनी बकवास जारी रखी। सवाल नंबर 1, धौस जमाकर जबरदस्ती इश्क करने वाली औरत को इटालियन में क्या कहते हैं।
सवाल नंबर दो, बच्चे कम खुशहाल घराना ये किस महापुरुष का कथन है? सवाल नंबर तीन, अगर 10 बच्चों का बाप दूसरी शादी करना चाहे तो फिर तीसरी शादी की संभावना के लिए किस बात की कोशिश करनी चाहिए? राजेश, इस बार थारसा के चेहरे पर झल्लाहट के लक्षण नजर आए, मगर राजेश अपनी धुन में बोलता रहा। सवाल नंबर चार, भगवान ने नारी क्यों पैदा की? पुरुष में कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं रख दिया कि उसे किसी से इश्क न करना पड़ता? सवाल नंबर पाँच, राजेश अगर तुमने बकवास न बन की तो? अरे वाह, अभी से? मैं सच कहता हूँ, अगर किसी औरत ने सातों सवाल हल कर दिए तो मैं जयमाला उसके गले में डाल दूंगा और सदा के लिए उसका दास बन जाऊंगा। अच्छी बात है, तो अब जीवन भर टोकरियां ढोने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे साथी मजदूरी पर लगा दिए गए हैं। तो फिर मुझे भी जल्दी से चलता करो, बेकार पड़े पड़े काहिल हो रहा हूँ। अच्छी बात है, थारसा ने क्रोध भरे स्वर में कहा और उसकी तस्वीर चरखी से गायब हो गई। राजेश ने रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया, दबा हुआ बटन उभर आया और चलती हुई चरखी रुक गई। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खुला और एक भारी भरकम आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में चमड़े का चाबुक था। राजेश ने उसे पहली ही नजर में पहचान लिया, वो गाल बेदा था, उसे किसी शिकारी कुत्ते की नजर से देख रहा था। उठो, वो चाबुक फटकार कर दहाड़ा। उठ गया, राजेश ने बिस्तर छोड़ते हुए कहा। बाहर चलो, राजेश जूता पहनने लगा। नहीं, नंगे पाँव चलो, मम्मी या डैडी ने अगर मुझे नंगे पैर चलते हुए देख लिया तो? बकवास बंद, गालविदा ने दहाड़ा। चलो, राजेश ने फिर कुछ नहीं कहा, चुपचाप दरवाजे की ओर चल पड़ा। गालविदा जो उसे मार देने के लिए एक ओर हट गया था, बोला, अगर मादाम को मंजूर होता तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़कर रख देता। मादाम का बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश ने कहा और दरवाजे से निकल गया। अब ये एक बहुत बड़े हॉल में था। यहाँ बहुत सारे आदमी नाना प्रकार की मशीनों पर झुके हुए इस प्रकार अपने अपने कार्यों में लीन थे कि उन्होंने सर उठाकर भी उसकी ओर नहीं देखा। चलते रहो, गालविदा पीछे से गुर्राया। राजेश का अनुमान था कि हॉल के इधर उधर भी कमरे होंगे। हॉल से गुजरकर वह एक कॉरिडोर में दाखिल हुए। इस कॉरिडोर की लंबाई कम से कम एक फरलांग तो अवश्य रही होगी। इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर दरवाजे थे। कॉरिडोर की समाप्ति एक दरवाजे पर हुई, जिससे गुजरकर यह ऐसी जगह पहुंचे जिसके निर्माण में एक आदमी का हाथ तो नहीं हो सकता था। यह एक प्राकृतिक गुफा का मुख मालूम होता था, जिस पर बाहर से एक झुकी हुई चट्टान साया किए हुए थी। गुफा के मुख से निकलकर वह खुले में आ गए। चमकीली धूप चारों ओर फैली हुई थी। हर तरफ के नजर आने वाले पहाड़ हरियाली से ढके हुए थे। इस घाटी में अनगिनत आदमी काम करते हुए नजर आए। चट्टानें तोड़ी जा रही थी, पत्थरों के विभिन्न साइजों के दो टुकड़े काटे जा रहे थे और उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। मेरे साथी कहाँ है? राजेश ने गालविदा से पूछा। मैं नहीं जानता, उसने लापरवाही से उत्तर दिया। मुझे क्या करना पड़ेगा? गालविदा ने एक टोकरी उठाई और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, रोड़ियों के इस ढेर को यहाँ से दूसरी जगह ले जाना है। यह रोड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर था, जिसके पीछे से पत्थर तोड़ने वालों की आवाज आ रही थी, मगर वो दिखाई नहीं दे रहे थे। गालविदा वहां से दूसरी ओर चला गया और राजेश घूमकर उस ओर पहुंचा, जिधर से पत्थर तोड़ने की आवाजें आ रही थी। कई औरतें हथौड़ों से पत्थर तोड़ती हुई नजर आई, जिनमें जोली और थेलमा भी थी। वह दोनों उसे देखते ही उसकी ओर झपटे। यह हम कहाँ पहुंच गए? दोनों ने एक साथ पूछा। अभी तक नहीं मालूम हो सका। और ये काम अच्छा है, मोहब्बत में पत्थर तोड़ने ही पड़ते हैं, राजेश ने कहा। और लोग कहाँ है? जोली ने पूछा। कुछ पता नहीं। तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की? जोली ने पूछा। अपना काम करो, राजेश ने कहा और झुककर टोकरी में रोड़ियां भरने लगा। लाओ, मैं भर दूं, थेलमा झुकती हुई बोली। नहीं, तुम अपना काम करो, राजेश ने झल्लाकर कहा। थेलमा सीधी हो गई और राजेश फिर टोकरी में रोड़ियां भरने लगा। टोकरी जब भर जाए तो कहना, मैं सर पर उठा दूंगी, जोली ने हंसी उड़ाने वाले भाव से मुस्कुराते हुए कहा। राजेश ने घूरकर उसे देखा मगर कुछ बोला नहीं। इसी प्रकार संध्या हो गई और काम रोक दिया गया। एक लंबी तड़ंगी विदेशी औरत हाथ में चमड़े का चाबुक लिए हुई आई और सारी औरतों को एक ओर हाक ले गई। गालविदा राजेश के निकट खड़ा था। वह उसे उसी गुफा के मुख की ओर ले चला जहां से उसे लाया गया था। गुफा से होते हुए वह उसी कॉरिडोर में दाखिल हुए और थोड़ी ही दूर चलकर एक ओर के एक दरवाजे के पास गालविदा रुक गया। राजेश को भी उसी के साथ रुक जाना पड़ा। गालविदा ने दरवाजा खोला और फिर राजेश से बोला, अंदर जाओ। लेकिन मैं तो वहां था, राजेश ने कहा। अब यहां रहोगे, गालविदा गुर्राया। राजेश अंदर चला आया और बाहर से दरवाजा बंद हो गया। एक छोटा सा कमरा था, मगर यहाँ सुख के वस्तान नजर नहीं आए जो इससे पहले वाले कमरे में थे।
यहाँ एक और फर्श पर एक कंबल पड़ा हुआ था और एक छोटी सी तिपाही पर पानी से भरा हुआ जग और एक गिलास रखा हुआ था। दीवार पर एक जगह वॉश बेसिन लगा हुआ था और बस। बाई ओर वाली दीवार पर एक खिड़की भी नजर आई जो बंद थी। राजेश ने उसके निकट पहुंचकर बोल गिराया, वह खुल गई। चौखट सलाखोंदार थी। दूसरी ओर के कमरे में कोई सर झुकाए बैठा था। खिड़की खुलने की आवाज पर उसने उधर ही चेहरा घुमाया। ओह, विलियम हॉपकिंस, राजेश धीरे से बड़बड़ाया। कौन कौन है भाई, हॉपकिंस ने घबराई हुई आवाज में कहा। उसके लहजे में आंतरिक दर्द था। मैं इधर से खिड़की पर हूँ, राजेश ने कहा। हॉपकिंस कराता हुआ उठा और टटोलता हुआ खिड़की की ओर बढ़ा। हाँ, इधर इधर, ठीक, आवाज की ओर चले आओ। ठीक, तुम कौन हो, यह निकट आकर बोला। एक कैदी, राजेश ने कहा। अब वह पागल हो गई है। हाँ, वह सचमुच पागल हो गई है, सबको तबाह कराएगी। तुम मुझे अपना नाम बताओ। गुडविन, राजेश ने कहा। मेरे लिए यह नया नाम है, हो सकता है, लेकिन मैंने तुमको हमेशा दूर से देखा है। तुम? हाँ, मैं ब्राजील में था। किस गलती पर पकड़े गए हो? एक समस्या सामने आ गई थी, उसी पर राय दी थी। तो राय देने के कारण पकड़ लिए गए? हाँ। आश्चर्य की बात है? आश्चर्य की कोई बात नहीं है, अल्फांसे की मौत के बाद तो वो पूरी डिक्टेटर बन गई है। मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, वो धीरे से बोला। मैं सुन रहा हूँ, राजेश ने कहा। उसे संस्था से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सारे संसार पर केवल अपना अधिपत्व देखना चाहती है। बड़ी विचित्र बात है। और सुनो, उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए अल्फांसे के कातिल से गठबंधन किया था। अगर उस कातिल की मक्कारी ने मुझे अंधा न किया होता तो बताता उन दोनों को। सचमुच पागल हो गई है कुतिया, तुम कब से यहाँ हो? अधिक दिन नहीं हुए। वो बड़ी हिंसक है, मेरी विवशता पर अट्टहास लगाने के लिए उसने मुझे जीवित रखा है। लेकिन मैं, वह मौन होकर विकलता कैसे भाव में अपने हाथ चलाने लगा। क्या बात है, मुझे बताओ, राजेश ने कहा। वो कुछ नहीं बोला, शायद सोचने लगा था कि बताए या न बताए। बता दो, बता देने से जी हल्का हो जाता है, राजेश ने सहानुभूति भर स्वर में कहा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, राजेश ने फिर कुछ नहीं पूछा। तुमसे क्या काम लिया जा रहा है, कुछ देर बाद हॉपकिंस ने पूछा। आज देखो, मैं अपने नेत्रों की ज्योति को खो चुका हूँ, लेकिन वह मुझसे शारीरिक परिश्रम लेती है और जब ठोकरे खाकर गिरता हूँ तो अट्टहास करती है। तुमने अपने नेत्रों की ज्योति कैसे खोई थी, हॉपकिंस अपनी कहानी सुनाने लगा कि किस प्रकार थारसा राजेश के साथ आई थी और राजेश ने अपनी चतुराई से उसे अंधा कर दिया था। तब तो राजेश बहुत खतरनाक आदमी मालूम होता है, राजेश ने लंबी सांस लेकर कहा। बहुत ही खतरनाक, वह बोला। हाँ, तो फिर क्या हुआ, राजेश ने पूछा। मैं नहीं जानता कि उसके बाद उस राजेश का क्या परिणाम हुआ, लेकिन थारसा जिस प्रकृति की औरत है उससे तो यही जान पड़ता है कि उसने अपना काम निकालने के बाद राजेश को जीवित नहीं छोड़ा होगा। पता नहीं कि मेरा क्या परिणाम होगा। गुडविन, संतोष धारण करो। मैं भी बहुत अधिक गर्म दिमाग का आदमी था, मगर नेत्रों की ज्योति के साथ ही वो गर्मी भी जाती रही। दिमाग ठंडा रखो। आखिर वो तुमसे क्या चाहती है? यही कि मैं उसके दिमाग से सोचूं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो तो नहीं सकता, मगर अभिनय तो कर ही सकते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते तब तक उसी के दिमाग से सोचने का अभिनय करते रहो। शायद तुम यह कहना चाह रहे हो कि मैं उस समय तक उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहूं जब तक कि मेरे हाथ उसकी गर्दन तक न पहुंच जाए। हाँ, मैं यही कह रहा था, हॉपकिंस ने ठंडी सांस लेकर कहा। अच्छी बात है, मैं देखूंगा कि अब क्या कर सकता हूँ, हॉपकिंस ने फिर उसी ओर मुड़ गया जिधर से उठकर आया था। राजेश कुछ क्षण तक उसे जाते देखता रहा, फिर उसने खिड़की बंद कर दी। अब वह सोच रहा था कि आखिर उसे विलियम हॉपकिंस के निकट रखे जाने का क्या तात्पर्य हो सकता है। क्या सारे कमरों के मध्य ऐसी ही खिड़कियाँ होगी? लेकिन हॉपकिंस के कमरे की दूसरी ओर की दीवार में तो ऐसी कोई खिड़की नहीं थी। हालांकि कॉरिडोर की बनावट से यही मालूम हो रहा था कि दोनों ओर कमरों की कतारें होगी। और फिर एक नया प्रश्न उसके मस्तिष्क में उभरा, क्या थारसा उसके माध्यम से हॉपकिंस से कोई महत्वपूर्ण बात उगलवाना चाहती है? ये नया प्रश्न स्थायी रूप से उसके दिमाग में चुपता रहा। कमल बहुत मग्न था। खुशी इस बात की थी कि उसका मेंडोलन उससे नहीं छीना गया था, मगर उसे दूसरों के प्रति चिंता थी कि वह कहाँ गए। वह एक कारखाने में लगाया गया था जहाँ शीशे की नलकियां ढाली जाती थी। दिन भर वह मशीन पर काम करता और संध्या होते ही मेंडोलिन लेकर किसी हरे भरे टिकरे पर जा बैठता और फिर वह सारी चिंताएं छोड़कर उसी में खो जाता। लेकिन 3 दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी वह किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका था।
विचित्र लोग थे। सर झुकाए आते, दिन भर काम करते और फिर पहले ही किसी भाव में सरों को झुकाए हुए वापस चले जाते। काम करने वालों में लड़कियां भी थी, मगर इतनी शुष्क और शिष्ट जैसे किसी चक्रवर्ती राजा के दरबार में उनकी पेशी हुई हो। न हंसना, न मुस्कुराना, न किसी की ओर देखना, बस ऐसा लगता था जैसे वो भी किसी खास किस्म की मशीन में ढाली गई हो। मेंडोलिन बजाते समय वह टीकरे पर कुछ अकेला होता, कोई आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देखता। थक हार कर वह भी उसी गुफा के मुख की ओर चल पड़ता, जिसके अंदर दूर तक दोनों ओर कमरे बनाए गए थे। विचित्र बात थी, बाहर चलने फिरने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, मगर वह अपनी कोई इमारत खुले में नहीं बनाते थे। धरती के अंदर निर्माण का काम बराबर हो रहा था। जिस कारखाने में कमल काम करता था वह भी धरती के अंदर ही था। कमल का अनुमान था कि यहाँ ऐसे ही बहुत सारे कारखाने होंगे, क्योंकि जिस प्रकार की नलकियां उसके कारखाने में ढाली जाती थी अपनी उस हैसियत में बिल्कुल बेकार थी। उन्हें अवश्य दूसरे पुर्जों से जोड़ा जाता होगा। अपने इस संबंध में बहुत कुछ सोचा, मगर अधिक जानने की कोशिश नहीं की। वह कारखाने जाता, संध्या को कुछ देर टीकरे पर बैठकर मैंडोलिन बजाता और फिर निवास स्थान की ओर आ जाता। उसने दूसरे कारखानों को तलाश करने की कोशिश नहीं की थी। जब वह यहाँ तक पहुँचने के सिलसिले में सामने आने वाली घटनाओं पर विचार करता तो कुछ जानने की इच्छा दम तोड़ देती। डरता रहता कि कहीं अनजाने में कोई गलत कदम न उठ जाए। अंततः उचित यही है कि खुद को परिस्थिति के धारे पर छोड़कर नवीन परिवर्तन की प्रतीक्षा करते रहे। राजेश तथा उसके साथियों के साथ वह भी बेहोश हो गया था, और जब दोबारा आँख खुली थी तो खुद को उसी कमरे में पाया था जिसमें वह अब भी रह रहा था। एक आदमी लगभग 2.5 घंटे तक उसे समझाता रहा था कि उसे यह किस प्रकार के काम करने होंगे, और जब उसने अपने साथियों के बारे में जानना चाहा था तो समझाने वाले ने बड़ी शिष्टता से कहा था, नहीं श्रीमान, मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता कि नए आने वाले की ट्रेनिंग दूं, इसीलिए आप इस प्रकार के प्रश्न करके मेरा और अपना समय नष्ट न कीजिए। कमल मौन हो गया था, और वह मौनता अब तक बनी रही थी, लेकिन ऐसा भी क्या, उसने सोचा आज अपने किसी पड़ोसी से अवश्य बात करेगा। टीकरे से उतरकर सीधा गुफा के मुख की ओर आया और उसने गुजर कर अपने कमरे में पहुंचा। हीटर पर चाय बनाई और सोचने लगा कि क्यों न बराबर वाले पड़ोसी को भी इस चाय में शरीक कर ले। वो नहीं जानता था कि उसके दाहिने और बाएं वाले कमरे में कौन रहता है, मगर फिर भी एक कमरे के दरवाजे पर आवाज लगाकर दरवाजा खुला और एक श्वेत रंग वाली लड़की दिखाई पड़ी। वह दरवाजा खोले परस्पर प्रतिमा के समान खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में विस्मय भरा हुआ था। बड़ी सुंदर लड़की थी, आयु 18-19 वर्ष से अधिक न रही होगी। चेहरे पर मेकअप न होने के बावजूद भी वह कमल को बहुत अच्छी लगी। क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेगी, कमल ने पूछा। क्या चाय भी किसी के साथ पी जाती है, लड़की ने बहुत ही अक्कड़ किस्म के लहजे में सवाल किया। कभी कभी साथ भी पीते हैं, मैंने तो आज तक नहीं देखा, बुद्धि में आने वाली बात ही नहीं है। लड़की के लहजे में पहले वाला ही अक्कड़पन मौजूद था। क्यों, बुद्धि में आने वाली बात क्यों नहीं, कमल ने मुस्कुराकर पूछा। अरे ये तुम इस प्रकार मुंह क्यों बना रहे हो। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मुंह नहीं बना रहा, कमल ने झेपते हुए कहा। ओह तो यही मुस्कुराना है, लड़की बुरा सा मुंह बनाकर बोली। मैंने कहीं ये शब्द सुना है। सुना होगा, कमल ने कहा, चाय की क्या रही। बेकार बातें न करो, ये असंभव है। क्यों असंभव क्यों है, कमल के स्वर में आश्चर्य था। आखिर एक ही प्याली में हम दोनों किस प्रकार चाय पी सकेंगे, ऐसा करते समय हमारे सर आपस में न टकरा जाएंगे, और किसी बहुत बड़ी थाल में चाय पी नहीं जा सकती। कमल हंस पड़ा। वह लड़की चौंक कर पीछे हटी और चकित दृष्टि से उसे देखने लगी। इस प्रकार क्या देख रही हो, कमल ने आश्चर्य के साथ पूछा। ये तुमने मुंह से किस प्रकार की आवाज निकाली थी। कमाल करती है आप भी, कमल झल्ला कर बोला। अरे मैं हंसा था। इसको हंसना कहते हैं, लड़की ने चकित होकर कहा। कदाचित यह शब्द भी पहले कभी सुन चुकी हूँ। क्या आप मुझे मूर्ख समझती हैं, कमल ने तेज होकर कहा। नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं, लड़की बौखला गई। तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही है, तुम्हारी ही बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। फिर मुझे क्या करना चाहिए, कमल ने बेबसी से कहा। मैं क्या बता सकती हूँ, लड़की ने कहा और पीछे हटकर दरवाजा बंद कर लिया। कमल के चेहरे पर विभिन्न प्रकार के लक्षण थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे खुद इसके दुम निकल आई हो, और उसे हर हाल में दूसरों से छिपाना चाहिए। बड़ी तेजी से अपने कमरे की ओर पलटा और उसका दरवाजा बंद करके इस प्रकार संतुष्ट नजर आने लगा जैसे भेड़ियों का कोई झुंड उसका पीछा करता रहा हो। दरवाजा बोल्ड करने के बाद भी वो काफी देर तक दरवाजे पर ही खड़ा रहा। उस लड़की में उसने कोई बहुत ही विचित्र बात महसूस की थी।
मगर उस अनुभूति को वह समझ न सका, उसका कोई अर्थ न निकाल सका, और इसी अर्थपूर्ण मगर समझ में न आने वाले एहसास के कारण उसको अपने मन में यह विचार भी निकाल देना पड़ा कि वह लड़की उसे मूर्ख समझ रही थी या मूर्ख बना रही थी। चाय दोबारा गर्म करनी पड़ी। चाय पीने के बाद वह फिर कमरे से निकल आया। सोच रहा था कि फिर खुली हवा में जाए, इसीलिए कॉरिडोर के सिरे की ओर चलता रहा, मगर इस समय वह दरवाजा बंद मिला जो गुफा के मुख की ओर खुलता था। बहुत कोशिश की कि दरवाजा किसी प्रकार खुल जाए, मगर संभव न हो सका, इसलिए निराश होकर फिर अपने कमरे की ओर पलट पड़ा। वह सोच रहा था कि काश किसी प्रकार राजेश तक पहुंच सकता। पता नहीं वह कहां होगा। उसके दूसरे साथियों में से अभी तक कोई नहीं दिखाई दिया था। कमल बिल्कुल उदास हो गया था। वह मुर्दों की सी चाल चलता हुआ अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि बाएं ओर वाले कमरे का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। तुम कौन हो? वह भयभीत होकर पीछे हटता हुआ बोला। मैं आदमी हूँ, आप घबरा क्यों गए? कमल मुस्कुराया। नहीं तो, मैं घबराया तो नहीं, उसने कहा और बड़ी तेजी से पलटकर अपने कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। क्या मुसीबत है, कमल बड़बड़ाया। कोई भी बात करने पर तैयार नहीं। अचानक कहीं से आवाज आई, समय नष्ट न करो, कुछ दिनों के बाद तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। कमल एकदम से रुक गया। ये आवाज तो वही थी, बिल्कुल वही जो उस घाटी में सुनाई दी थी, और फिर उसके बाद वह बेहोश हो गए थे। मैं वैसा नहीं हो सकता, मैं एक हैप्पी हूँ, वो तड़क कर बोला। मैंडोलिन बहुत अच्छा बजाते हो, क्या मैं तुम्हें अपने पास बुलवा लूँ? आवाज आई। अवश्य अवश्य, कमल चहक कर बोला। कोई तो हो जिससे बातें की जाए। अच्छी बात है, इंतजार करो। कमल ने लंबी सांस खींची और अपने कमरे में चला गया। खिड़की पर राजेश और हॉपकिंस की बातें जारी थी, मगर इस संबंध में राजेश बहुत ही सावधानी से काम ले रहा था। उसने दफ्ती को मोड़कर एक पाइप बना दिया था जो कान को ढक लेता था। वह उसके एक सिरे से को हॉपकिंस के कान से लगा देता था और दूसरे सिरे को अपने मुंह के निकट लाकर धीरे धीरे बातें करता रहता। इस प्रणाली से उसकी हल्की सी आवाज भी कमरे में न फैलती। उसने ऐसा इसीलिए किया था कि कहीं इन कमरों में डिक्टाफोन न गुप्त रूप से फिट किए गए हो, और हो सकता है कि उसे हॉपकिंस के निकट इसलिए रखा गया हो कि थारसा से कुछ उगलवाना चाहती हो। उसने सोचा होगा कि वह अपनी मुक्ति के लिए एडी चोटी का जोर लगा देगा। इस संबंध में हो सकता है कि वह हॉपकिंग से गठजोड़ करने की कोशिश करे और प्रतिशोध की भावना में हॉपकिंग्स उसको वह सब कुछ बता दे जो थारसा उससे मालूम न कर सकी थी। राजेश का यह विचार था या संदेह बिल्कुल सच साबित हुआ। इस समय हॉपकिंग्स उसके कान में कह रहा था, गुडविंद तुम बहुत ही विवेकी हो, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न तुम्हें अपनी आंखें बना लो। ठीक है, तुम्हारा अनुभव और मेरा जवान शरीर बहुत कुछ कर सकता है। थारसा दूसरों को भी संस्था का शत्रु बना रही है। अच्छा तो सुनो, मेरे तीन आदमी अभी तक मेरे अधिकार में हैं। उन्हें परिस्थिति का ज्ञान ही न होगा। अगर उन्हें यह मालूम हो जाए कि मैं किस हाल में हूं तो वह पूरे शुगर बैंक को तबाह करके रख दें। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे बताओ, ठोकर तो नहीं खाओगे? वो मेरा अंतिम हथियार है। अगर वह नष्ट हो गया तो फिर मुझे अपने ही हाथों अपना गला घोट लेना पड़ेगा। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ इस काम का बेड़ा उठा सकता हूँ। क्या तुम इस इलाके के बारे में कुछ जानकारी रखते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कैसे काम चलेगा? मैं इस बात के लिए पूरी कोशिश करूंगा। खैर, हॉपकिंस ने ठंडी सांस ली। अब हमें कुछ देर ऊंची आवाज में भी बात करनी चाहिए। तुम काफी विवेकी मालूम होते हो, जी चाहता है कि तुम पर विश्वास कर लूं। इसके बाद वो ऊंची आवाज में अपना दुखड़ा ले बैठे थे। फिर खिड़की बंद कर दी गई। राजेश सोच रहा था कि अगर हॉपकिंस ने कोई निशानदेही कर दी तो वह इस अनजान इलाके में क्या कर सकेगा। दिन भर रोडिया ढोने से अवकाश नहीं मिल सकता, और गालवेदा खासतौर पर उसकी निगरानी करता रहता था। वह रात गुजार कर हमेशा के समान नाश्ता करने के बाद फिर कमरे से निकाल दिया गया। उसके कमरे में संध्या को बाहर से ताला लगा दिया जाता था। उसके बाद फिर निकलने का सवाल नहीं पैदा होता था। गालवेदा का घाव शायद भर गया था, क्योंकि उसके चेहरे पर पाए जाने वाले दर्द और बेचैनी के लक्षण दूर हो गए थे और उनकी जगह प्रफुल्लता नजर आती थी। इस समय वह हाथ में चमड़े का चाबुक लपेटे उसके पीछे चल रहा था। धरती के नीचे वाली इमारत से निकलकर वह फिर उसी जगह आ पहुंचे जहां काम हो रहा था। रोडिया के ढेर के पास औरतें पत्थर तोड़ रही थी, मगर आज उनमें जोली नहीं थी, केवल थेलमा नजर आई। राजेश थेलमा से जोली के बारे में पूछ ही रहा था कि गालवेदा गुर्राता हुआ चढ़ दौड़ा। तुम अपना काम करो, मैं केवल अपने साथियों का कुशल मालूम करना चाहता हूँ, राजेश ने कोमल स्वर में कहा। चुपचाप अपना काम करो, वह गुर्राता हुआ दूसरी ओर मुड़ गया और राजेश ने थेलमा से पूछा, जोली का कुछ पता है? जोली वह
थेलमा कांपती हुई आवाज में बोली, हम एक ही कमरे में रहते थे, आज सवेरे वो कमरे में मौजूद नहीं थी। गालवेदा इस बार गुस्सा तान कर राजेश की ओर झपटा। राजेश उछलकर एक ओर हट गया और वह अपने ही जोर में कई कदम आगे बढ़ता चला गया। फिर मुड़ा तो चाबुक के बल उसके हाथ से खुल गए थे। उसने राजेश पर चाबुक से वार किया, मगर इसे भी खाली देकर राजेश ने कहा, अगर तुमने फिर वार किया तो अच्छा ना होगा। ये चेतावनी सुनकर गालवेदा बुरी प्रकार बिफर गया। चाबुक फेंक कर राजेश पर छलांग लगाई। राजेश इसके लिए पहले ही से तैयार था। एक ओर हटकर उसकी पीठ पर तड़ जमाया तो वह मुंह के बल नीचे चला गया। फिर राजेश ने उसे अवकाश नहीं दिया, दोनों घुटने उसकी पीठ पर टेक कर बाएं हाथ से उसकी खोपड़ी जमीन पर रगड़ डाली। उसे गालवेदा की शक्ति का अंदाजा था, इसीलिए उसने पूरी तरह चौकस होकर उस पर जवाबी हमला किया था। उसकी जगह कोई और होता तो गालवेदा कभी का उठ खड़ा हुआ होता। अब भी यह दशा थी कि उसे जमीन से लगाए रखने के लिए राजेश को पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। डर यह था कि किसी और से कोई उसका सहायक न पहुंच जाए, इसीलिए वह उसे निपटाने में जल्दी करना चाहता था। गालवेदा की गर्दन पर उसका दबाव बढ़ता रहा। इरादा जान से मार देने का नहीं था, मगर इसके लिए वह अधिक समय भी व्यतीत नहीं करना चाहता था। शीघ्र ही उसने महसूस किया कि गालवेदा के हाथ पैर बेकार होकर ढीले पड़ गए थे। वह उसे छोड़कर हट गया, फिर तेजी से झुका और उसकी जामा तलाशी लेने लगा। उसकी जेब से एक वजनी पर्स बरामद हुआ और बस। औरतें दूर खड़ी भयभीत नजरों से राजेश को देखे जा रही थी। केवल थेलमा के चेहरे पर ताजगी थी और उसकी आंखों की चमक कई गुना बढ़ गई थी। अचानक एक औरत राजेश के निकट आकर भयभीत लहजे में जल्दी जल्दी कहने लगी, भाग जाओ, फौरन भाग जाओ, वरना वह तुम्हारी बोटियां उड़ा देंगे, भागो। राजेश ने उसकी बात सुन तो ली, मगर उसके अंदाज से यह नहीं मालूम हो रहा था कि वह उनकी बात मानेगा भी। आसपास उन औरतों के अतिरिक्त और कोई नहीं था। राजेश ने गालवेदा की लाश अपनी पीठ पर उठाई और एक ओर चलने लगा। वह जल्द से जल्द उसे कहीं छिपा देना चाहता था। आखिर एक छोटा सा गड़ा मिल ही गया। उसने गालवेदा को उसी में ढकेल दिया और फिर गड़े को छोटे बड़े पत्थरों से पाट दिया। फिर उसकी जेब से बरामद होने वाले पर्स को खोला। उसमें 5 चाबियों और एक इलेक्ट्रोगेस के अतिरिक्त लाल रंग की 3-4 सुइयां भी थी। उसने सोचा, चलो मेहनत ठिकाने लगी। एक इलेक्ट्रोगेस पहले हाथ आया था, वो फिर थारसा ही के हाथ लगा और अब ये। लेकिन दोनों के लिए उसे 2 जिंदगियों से खेलना पड़ा था। वह पर्स को जेब में डालता हुआ चट्टान की ओट से निकला और रोड़ियों के ढेर की ओर चल पड़ा। थेलमा के अतिरिक्त दूसरी सारी औरतें पहले ही के समान पत्थर तोड़ने में लग गई थी। थेलमा शायद राजेश के इंतजार में खड़ी थी। काम करो, काम में लगी रहो, राजेश उसके निकट पहुंचकर बोला। मगर अब क्या होगा, मैं कह रहा हूँ काम करो, राजेश ने कहा और अपनी टोकरी में रोड़िया भरने लगा। थोड़ी ही देर में ऐसा मालूम होने लगा जैसे वहाँ अभी कोई असाधारण घटना हुई न हो। वह प्रतिदिन के समान आज भी काम करते रहे। फिर जब छुट्टी के समय थेलमा राजेश की ओर बढ़ी तो उसने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, नहीं इधर नहीं, जहाँ अब तक जाती रही हो वही जाओ। इन औरतों को समझाने की कोशिश करो कि उनकी आज़ादी के दिन करीब है, बस वो अपनी जबान बंद रखे। इस घटना का पता उनके अतिरिक्त और किसी को न होने पाए, वरना वह जिंदगी भर मुक्ति नहीं पा सकेगी। फिर वह अपने निवास स्थान की ओर चल पड़ा। 5 कुंजियों में से एक उसके कमरे के दरवाजे से लग गई और वह धीरे से अंदर दाखिल हुआ। सबसे पहले उसने जो काम किया था वह यह था कि इलेक्ट्रोगेस को अपने लॉन्ग बूट में रखकर उसे दोबारा पहन लिया। यद्यपि वह उसके तलवे में बुरी प्रकार चुभ रहा था, लेकिन उसकी समझ में उसे छिपाए रखने के लिए उससे उत्तम और उचित स्थान कोई और नहीं था। यह लॉन्ग बूट उसको बाद में दिए गए थे, वरना पहले दिन तो गालवेदा ने उसे नंगे पैर ही चलाया था। वह सोच रहा था कि शेष 4 कुंजियों का क्या होगा, कहीं वही कुंजियां ही सनसनी फैलाने का कारण न बन जाए। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने निर्णय किया कि क्यों न किसी कॉरिडोर के दूसरे दरवाजे पर वह कुंजियां आजमाई जाए। थोड़ी देर बाद उसे यह मालूम करके आश्चर्य हुआ कि इस कॉरिडोर में जितने भी दरवाजे थे उन्हीं 5 कुंजियों में से किसी न किसी से खोले जा सकते थे। लेकिन अभी उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि दूसरे कमरों में क्या है। लगभग 1 घंटा बाद वह हॉपकिंग्स के ओर की खिड़की खोलकर फिर उससे बातें कर रहा था। उसने हॉपकिंग्स को आज की घटना के बारे में बताया। ओह, हॉपकिंग्स जोश में बोला, अगर तुम एक इलेक्ट्रोगेस प्राप्त करने में सफल हो गए हो तो तुम्हारा सौभाग्य है, लेकिन क्या तुम उसे प्रयोग करना भी जानते हो? पूरी तरह, राजेश ने कहा, लेकिन दुख तो इस बात का है कि तुम यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर उस औरत को पता चल गया कि उसका एक सुपर वाउजर तुम्हारे हाथों मारा गया है तो वह तुम्हें फांसी दिलवा देगी या गोली से उड़वा देगी। फिर मुझे क्या करना चाहिए, राजेश ने पूछा।
मेरी समझ में नहीं आता, मुझे सोचने दो, खिड़की बंद कर दो, हॉकिंग्स कहता हुआ पीछे हट गया। राजेश ने उसके आदेशानुसार खिड़की बंद कर दी और पीछे हट गया। रात के खाने का समय हो गया था। वो तिपाई के निकट आया और थाल पर से कपड़ा हटाकर जो कुछ भी सामने आया खाना आरंभ कर दिया। आज तो दोपहर का भी खाना नहीं मिला था। दोपहर का खाना प्रतिदिन काम पर ही गालबेदा मंगा दिया करता था और रात का खाना तिपाई पर रखा हुआ मिलता था। कुछ विचित्र से रात दिन व्यतीत हो रहे थे। पता नहीं यह ऊंट किस करवट बैठने वाला था। खाने के बाद उसने कमरे में टहलना आरंभ कर दिया। ऐसी बेचैनी से आज तक पाला नहीं पड़ा था। बड़ी विचित्र सिचुएशन थी। वह आज़ाद भी था और कैदी भी। कैदी इस प्रकार की जाल से निकल नहीं सकता था। किसी और जाता कहाँ सर टकराता फिरता। और फिर उसे यह भी तो नहीं मालूम था कि उसके दूसरे साथी कहाँ है। ये बिल्कुल असंभव था कि वह उन्हें थारसा की दया पर छोड़ देता। अचानक किसी ने बाहर से दरवाजे पर आवाज़ दी। वह दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा मगर फिर फौरन ही ठिटक गया। भला वह दरवाज़ा कैसे खोल सकता था जबकि उसने उसके कमरे में बाहर से गालबेदा ताला लगाया करता था। कौन है? उसने दरवाजे के निकट पहुंचकर तेज आवाज़ में पूछा। दरवाज़ा खोलो, बाहर से आवाज़ आई। मैं किस प्रकार खोल सकता हूँ? सुपरवाइजर बाहर से ताला लगा कर जाता है, राजेश ने कहा। फिर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। राजेश वही खड़ा रहा। तो इसका यह मतलब हुआ कि गालबेदा की तलाश आरंभ हो गई है, उसने मन ही मन सोचा। और फिर उसे पत्थर तोड़ने वाली औरतें याद आई। उनसे अवश्य पूछा गया होगा। हो सकता है कि उन बेचारियों को आतंकित भी किया गया हो। ऐसी दशा में अगर उनमें से किसी ने कुछ उगल दिया हो तो फिर उसे पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। थारसा को ये तो मालूम ही होगा कि गालबेदा के पास इलेक्ट्रोगेस था और वह यह तो जानती ही है कि वह इलेक्ट्रोगेस की प्रयोग विधि जानता है। गालबेदा के गायब हो जाने की कहानी सुनकर उसे यह भी विश्वास हो गया होगा कि गालबेदा का इलेक्ट्रोगेस अब उसके अधिकार में होगा। अगर इसी वस्तु को दिमाग में रखकर उसने कोई कार्रवाई की तो वह उसका 100% बहुत ही वजनदार और खतरनाक कदम होगा। बस फिर उसे भी पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। उसने बड़ी फुर्ती से लॉन्ग बूट के फीते खोले और इलेक्ट्रोगेस को निकालकर हाथ में ले लिया। यही नहीं बल्कि दरवाजे को नज़र में रखते हुए पोजीशन भी ले ली। उसका अंदाज़ा गलत नहीं निकला। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा खुला और 5 आदमी भेड़िया समान कमरे में घुसते चले गए। राजेश इलेक्ट्रोगेस का रुख उनकी ओर करके ट्रिगर दबा चुका था। हल्की सी गरज के साथ उन सभी के चिथड़े उड़ गए। उनमें से कोई मुख से आवाज़ भी न निकाल सका। फिर वही पहले का सा सन्नाटा छा गया। राजेश का दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहा था। अचानक वह उन लोगों के मांस के लोथड़ों को छलांगता हुआ तेजी से गलियारे में आया और हॉकिंग्स के कमरे का दरवाजा खोलने लगा। फिर अंदर दाखिल होकर हॉकिंग्स के कान में धीरे से बोला, वो मैं हूँ गुडविन, जल्दी चलो, मैंने 5 आदमियों को इलेक्ट्रोगेस का निशाना बना दिया है, अब निकल चलो वरना सारी जिंदगी यही पड़े रहोगे। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले चलूंगा, चिंता न करो, आओ। उसने हॉकिंग्स को अपनी पीठ पर लादा और कॉरिडोर की ओर दौड़ने लगा। निकासी का दरवाजा खुला ही मिल गया। वह निकला चला गया। गुफा का मुख पार करते ही वह खुले स्थान में पहुंच गए। यहाँ चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। वह रोडियो के ढेर ही की ओर बढ़ रहा था क्योंकि वही एक रास्ता उसका जाना बुझा था। वह सब सोते से उठाए गए थे और उन्हें कहीं ले जाया जा रहा था। जोली और थेलमा के अतिरिक्त प्रथम बार वह सब एक जगह इकट्ठा किए गए थे। अपने अपने निवास स्थान से निकलकर वह चलते हुए खुले स्थान में पहुंचे। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। 8 आदमी चरखियों वाली बंदूकें लिए हुए उनको अपने घेरे में लिए चल रहे थे। सभी ने अंधकार ही में एक दूसरे को पहचाना था और अधीरता के साथ एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे थे, मगर बंदूक वालों ने उन्हें डांट कर चुप करा दिया था। धमकी दी थी कि अगर कोई भी बोला तो उसे गोली मार दी जाएगी। वह चलते रहे। थेलमा जोली के साथ चल रही थी। उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। वह सोच रही थी कि कहीं उससे राजेश के बारे में कुछ पूछताछ न की जाए। जल्दी ही उन्हें एक दूसरी इमारत में पहुंचा दिया गया। ये इमारत भी जमीन के अंदर ही बनी थी मगर उन इमारतों में से बिल्कुल अलग थी जिनमें वह अभी तक रहते आए थे। यह सब कुछ शीशे से बनाया गया था। शीशे की दीवारें, शीशे की छत और शीशे ही के खंभे भी। यहाँ विचित्र प्रकार का प्रकाश फैला हुआ था। इस रोशनी में न गर्मी का एहसास था न सर्दी का। थारसा एक सिंहासन पर विराजमान दिखाई दी और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि कमल उसके सामने खड़ा मैंडोलिन बजा रहा था। थारसा ने हाथ उठाकर उसे मैंडोलिन बंद कर देने का संकेत किया और फिर इन लोगों की ओर देखने लगी। वह इस समय बहुत ही सुंदर नजर आ रही थी। जोली और थेलमा उसके सामने बुझ कर रह गई थी। थेलमा, अचानक थारसा ने उसकी ओर हाथ उठाकर कहा, तुम थेलमा ही हो ना? हाँ, मैं थेलमा ही हूँ, वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। गालबेदा को राजेश ने किस प्रकार मारा था? मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती।
तुम वहां अकेली नहीं थी, और भी औरतें थी। तो फिर जब तुम हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं, मैं तुम सबको बहुत बेदर्दी से मार सकती हूँ, थारसा ने तीव्र आवाज से कहा। मादाम, मेरी एक प्रार्थना है, अचानक कमल बोल पड़ा। थारसा चौंक कर उसकी ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखने लगी। राजेश की गलती की सजा इन बेचारों को न दीजिए। आमतौर पर शक्तिशाली लोग दयालु भी होते हैं, और इसमें संदेह नहीं कि आप शक्ति का स्तंभ है। तुम्हारी सिफारिश पर मैं इनको क्षमा कर सकती हूँ, तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। शुक्रिया मदाम। तुम जानते हो, थारसा कैदियों को संबोधित करके बोली, मेरे कई आदमियों को कत्ल करके मेरे एक कैदी को वह ले भागा है। कोई कुछ नहीं बोला, वह सब आश्चर्य से उसे देख रहे थे। मैं तुमसे उसका बदला ले सकती हूँ, थारसा ने फिर कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं तुमसे काम लूंगी, तुम मेरे लिए काम करोगे जिंदगी भर। कमल, कोई अच्छा सा संगीत। कमल ने तारों पर मेजराब लगाई और सुंदर सा संगीत अंगड़ाइया लेने लगा। थारसा के नेत्रों में मादकता भराई, वह जोली के चेहरे पर नजरें जमाए हुए पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। अचानक उसने हाथ उठाकर कमल को हाथ रोक देने का संकेत किया और जोली से बोली, क्या विचार है तुम्हारा, मैं राजेश को मार डालूं? क्या वो फिर पकड़ लिया गया? जोली बदहवास होकर बोली, तो क्या तुम यह समझती हो कि वह मेरी सहायता के बिना यहां से वापस जा सकेगा? जोली कुछ नहीं बोली, निचला होठ दांतों में दबाए कुछ सोचती रही। बहुत तरह दे चुकी हूँ, इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगी, थारसा कहती रही। मैं इसे सहन नहीं कर सकती कि जीरो लैंड का कोई नागरिक इस प्रकार मार लिया जाए। उसने कई खून किए हैं, क्या वह दोबारा पकड़ लिया गया है? जोली ने फिर अधीरता से पूछा। क्यों, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई ये मालूम करने के लिए व्याकुल नहीं है? क्या बात है? थारसा का लहजा बहुत ही जहरीला हो गया था। ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं, जोली ने कहा। ओह, विश्वास करो, मैं तुम्हारे सामने ही उसे कत्ल करूंगी, थारसा ने अट्टहास किया। जोली पलके झपकाए बिना उसे घूरे जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उस पर किसी प्रकार का उन्माद सवार होने वाला है। अचानक वह तेज आवाज में बोली, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। तुम उससे प्रेम करती हो, तुम उसे दिल से मोहब्बत करती हो। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। अंतिम शब्द अधरों में भिज कर रह गए और वह चकराकर फर्श पर गिर पड़ी। चारों ओर स्तब्धता हुई थी और वह सब अपने अपने स्थानों पर मौनवत खड़े थे। किसी ने भी उसे उठाने की कोशिश नहीं की। थारसा के चेहरे पर विचित्र प्रकार की उदासी छा गई थी। अचानक वह कांपती हुई आवाज में चीखी, ले जाओ इन्हें, हटाओ मेरे सामने से। तुम थक गए होगे गुडविन, हॉपकिंग्स ने बड़े प्यार से कहा और राजेश के गालों पर हाथ फेरने लगा। मगर छिपने के लिए कोई उचित स्थान तलाश किए बिना मैं नहीं रुक सकता, राजेश बोला। तुम नाना प्रकार की योग्यताओं से परिपूर्ण मालूम होते हो गुडविन, मुझ जैसे पहाड़ को पीठ पर उठाए इन पहाड़ों पर चलते रहना आदमी के वश की बात तो नहीं। सच बताओगे तुम कौन हो? मैं गुडविन हूँ, लेकिन बाप का नाम न बता सकूंगा। मैं अब कुछ नहीं पूछूंगा, वरना तुम बात करने में थकावट महसूस करने लगोगे। आसमान साफ था, इसीलिए अंधेरा इतना गहरा नहीं था कि वो अपने पैरों के निकट आने वाली कठिनाइयों को न देख सकता। फिर शीघ्र ही उसने हॉकिंग्स को नीचे उतार देना पड़ा, क्योंकि उसके सामने खतरनाक किस्म की ढलान थी। क्यों, क्या बात है? हॉकिंग्स ने पूछा। रास्ता खतरनाक है, पहले मैं इसका अंदाजा कर लूं, तुम यही लेट जाओ। नहीं, ठीक है, मैं बैठा रहूंगा। नहीं, बैठे रहने में इसकी पूरी संभावना है कि तुम देख लिए जाओ, राजेश ने कहा। देख लिए जाने की संभावना? वह जहरीले स्वर में बोला। पता नहीं क्यों अभी तक कोई फिगराज नहीं उड़ा, पूरी घाटी प्रकाश में नहा जाएगी उसकी सर्च लाइटों से, हमने तो एक जुआ खेला है। मेरे पास इलेक्ट्रोगेस है, राजेश ने कहा। शायद तुम इलेक्ट्रोगेस के बारे में कुछ अधिक नहीं जानते, हमारे यूनिट में केवल एक इलेक्ट्रोगेस था, उसे भी कभी निकट से देखने का अवसर नहीं मिला था। इलेक्ट्रोगेस की मार दूरी के प्रतिबंध में है, निसंदेह वह किसी फेग्रोस के भी परखच्चे उड़ा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि फेग्रास 100 गज की दूरी पर उड़ान कर रहा हो। मेरा विचार है कि तुम इलेक्ट्रोगेस की भीतरी बनावट के बारे में भी कुछ न जानते होगे। प्रकट है कि मैंने उसे निकट से कभी नहीं देखा, फिर तुमने उसकी प्रयोग विधि कैसे जानी? फेग्राम ने बताई थी, राजेश झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था, और यह उसका सौभाग्य ही था कि हॉकिंग्स ब्राजील के यूनिट के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखता था। फिर राजेश के आदेशानुसार वह लीट गया और राजेश ढलान में उतरने लगा। कुछ दूर चलकर उसने महसूस किया कि छिपने के लिए यहाँ बहुत सी जगह हो सकती है, शायद फेग्रास की सर्च लाइटें भी उन्हें न तलाश कर पाती। वह फिर ऊपर उठा और हॉकिंग्स को उठाता हुआ बोला,
अब कुछ दूर तुम्हें अपने पैरों से चलना पड़ेगा। अगर मैं तुमको अपनी पीठ पर लाद कर चला तो पूरी संभावना है कि हम दोनों की हड्डियाँ चूर चूर हो जाए, क्योंकि रास्ता ऐसा ही है। फिर वह हॉपकिंग्स का हाथ पकड़कर बड़ी सतर्कता से नीचे उतरने लगा। स्थान अच्छा खासा था, ऊपर से देख लिए जाने की संभावना नहीं थी। दो बड़े पत्थरों के ऊपर एक चट्टान का कुछ भाग बिल्कुल साइवान के समान छाया हुआ था, लेकिन स्थान अधिक नहीं था। बहरहाल वह इत्मीनान से बैठे रह सकते थे। दिन निकलने पर मैं तुमसे यही की चौहद्दी मालूम करने के बाद ही तुम्हारा पद प्रदर्शन कर सकूंगा, हॉकिंग्स ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। हाँ ठहरो, मैं तुमको इलेक्ट्रोगेस के बारे में बताऊँ। उसके बट के नीचे भाग लाल रंग का एक बुश बटन होता है, उसके दबाने पर बट का एक भाग खुल जाता है। बट के अंदर एक छोटी सी चौकोर बैटरी होती है, जिसका आधा भाग स्टेनलेस स्टील का होता है और आधा भाग कत्थई रंग के पत्थर जैसा होता है। अब इलेक्ट्रोगेस की बैटरी निकाल कर देखो। अगर कत्थई रंग वाले भाग के ऊपरी तल पर छोटे छोटे गड्ढे पड़ गए हो तो समझ लो कि बैटरी एग्जॉस्ट हो रही है, और अगर तल पर गड्ढे न हो वह समतल हो तो समझ लो कि अभी तुम उससे हजारों फायर कर सकते हो। राजेश ने उसी समय इलेक्ट्रोगेस से बैटरी निकाल कर उसके तल पर अंगुली फेरी, फिर कहीं भी कोई गड्ढा महसूस नहीं किया। फिर बोला, बैटरी के तल पर कोई गड्ढा नहीं है। हॉकिंग्स ने बैटरी लेकर उस पर उंगली फेरी, फिर इत्मीनान प्रकट करते हुए बोला, बिल्कुल ठीक है, अगर तुमने चतुराई से काम लिया तो सबको मुंह फेर दोगे। फिर उन्होंने शेष रात वही बैठकर व्यतीत कर दी। उन्हें किसी घटना का सामना नहीं करना पड़ा। न फेग्रास की सर्च लाइटों द्वारा उन्हें तलाश किया गया और न उन्होंने अपने आसपास किसी प्रकार की कोई आवाज ही सुनी। मुझे आश्चर्य है, हॉकिंग्स ने सवेरा होने पर कहा, थारसा इतनी लापरवाही से क्यों काम ले रही है? और फिर दूसरे ही क्षण चौंकता हुआ बोला, ओह मैं समझ गया। क्या समझ गए? राजेश ने पूछा। गुडविन, वह जोश में बोला, वह छिप कर देखेगी कि मैं कहाँ जाता हूँ। मैं नहीं समझा। तुम समझ भी नहीं सकते गुडविन, वो व्याकुलता के साथ हाथ मलता हुआ बोला, तुम नहीं समझ सकते। सवेरा तो हो गया है ना? हाँ, सूरज निकलने वाला है। चारों ओर नजर दौड़ा कर देखो, किसी पहाड़ की चोटी घोड़े के सर के समान दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी थोतनी ऊपर उठा रखी हो। राजेश आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा, फिर बोला, हाँ है तो, लेकिन यहाँ से फासला अधिक मालूम होता है। चिंता न करो, बस उसी की सीध में चलने की कोशिश करो। अगर हम चलते चलाते वहां तक पहुंच गए तो समझ लो कि पाला मार लिया। वहां क्या है? राजेश ने पूछा। अभी नहीं बताऊंगा। मैं समझा, अच्छी तरह समझ गया, राजेश ने बुरा मानते हुए कहा। क्या समझ गए? अभी तुमने कहा था कि थारसा छिपकर देखना चाहती है कि तुम कहाँ जाते हो। हाँ कहा तो था। फिर तुम शायद मुझे भी थारसा ही का कोई आदमी समझते हो। नहीं तो झूठ मत बोलो, मैं बच्चा नहीं हूँ। नाराज होने की आवश्यकता नहीं, उसने मीठे स्वर में कहा, क्या तुम मुझे सतर्क और सावधान रहते देखना उचित नहीं समझते? यही सोचकर चुप रह जाना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं? चलो गुस्सा थूक दो। देखो मैं कितनी सफाई से इस बात का समर्थन कर लिया कि मुझे तुम पर संदेह है। मैं अपनी आंखें खो चुका हूं दोस्त, काश मैं तुम्हें देख सकता। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है। मुझ जैसे पहाड़ को पीठ पर लादे लादे इस प्रकार ऊंची नीची पथरीली धरती पर लगातार चलते रहना किसी आदमी के वश की बात नहीं है। पता नहीं तुम क्या हो, मैं शब्दों से बहलने वाला नहीं हूँ मेरे दोस्त। जब तक इस बात का निर्णय नहीं हो जाएगा कि तुम्हारी नजरों में मेरी हैसियत क्या है, तब तक मैं आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा। तुम मेरे दोस्त हो, मुझे विश्वास है, हॉकिंग्स ने भर्राई हुई आवाज में कहा। बस तो फिर बताओ कि वहाँ क्या है, बहुत जिद्दी हो। खैर सुनो, मैं एक ऐसी उड़न तश्तरी बनाने में सफल हो गया हूँ जिससे संसार का कोई रडार सिस्टम प्रकट नहीं कर सकता। थारसा के पास भी ऐसा कोई रडार सिस्टम नहीं है। वो मौन हो गया और राजेश उसको दोबारा बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। कुछ देर बाद हॉकिंग्स ने ठंडी सांस लेकर कहा, जितनी जल्द संभव हो वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। मेरी वह उड़ान तश्तरी वही कहीं गुप्त है। तीन गूंगे और बहरे आदमी उसकी रक्षा करते हैं। वह उसकी प्रयोग विधि भी जानते हैं और केवल संकेतों की भाषा समझते हैं। संकेत भी विशेष प्रकार के हैं। सारांश यह है कि मेरे अतिरिक्त संसार का कोई दूसरा आदमी उन्हें कुछ नहीं समझा सकता। राजेश ने फिर उसे अपनी पीठ पर बैठाया और उसी ओर चल पड़ा जिधर की निशानदेही उसने की थी। देख लिए जाने के संदेह के आधार पर तेज चलना संभव नहीं था। हॉकिंग्स भी बार बार याद दिलाता जा रहा था कि उसे बहुत सतर्कता से आगे बढ़ना है। दिन ढलने लगा। भूख और प्यास के कारण राजेश का बुरा हाल था। पीठ का बोझ अलग मुसीबत बना हुआ था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी, बराबर चलता ही रहा।
क्या तुम कहीं रुककर दम नहीं लोगे? हॉपकिंस ने पूछा। अगर बैठ गया तो फिर उठा नहीं जाएगा, राजेश ने कहा। तुम बड़ा कष्ट उठा रहे हो मेरे लिए। तुम्हारे लिए नहीं हॉपकिंस, केवल अपने लिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी सहायता के बिना यहाँ से नहीं निकल सकता। किसी भी देश की सीमा पर पहुँच जाने के बाद मैं खुद ही अपनी रक्षा कर लूँगा। यह तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन फिर तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हॉपकिंस ने कहा। मैं तुमको अपनी आँखें बनाऊँगा। राजेश कुछ नहीं बोला। हॉपकिंस कहता रहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किसी संस्था की अध्यक्षता कैसे की जाती है। थारसा ने अधिकतर लोगों को संस्था का विरोध बना दिया है, लेकिन वह थारसा को शक्ति के आगे विवश है। मैं उन्हें बाप का प्यार दूंगा। लगातार कुछ सुनते रहने से भी थकावट की अनुभूति होने लगती है, राजेश ने कहा। अच्छा, अब मैं नहीं बोलूंगा, हॉपकिंस ने हंसकर कहा। इस हंसी में बाप के स्नेह की झलकियां मौजूद थी। फिर सूरज क्षितिज तक पहुंच गया, मगर पहाड़ की वह चोटी अब भी बहुत दूर थी जिसकी निशानदेही हॉपकिंस ने की थी। अब तो भूख के कारण कदम उठाना दुष्कर हो रहा है, राजेश ने कहा। मेरे विचार से कुछ देर के लिए कहीं रुक जाओ। हाँ, और फिर पेट भरने के लिए कुछ पहाड़ी चिपकलियां तलाश करो। चिपकलियां? हॉपकिंस ने आश्चर्य से कहा। हाँ, उसका रसा बहुत स्वादिष्ट होता है। घिनौनी बातें न करो, हॉपकिंस ने मुंह बनाकर कहा। राजेश ने बैठने के लिए एक उचित स्थान तलाश कर ही लिया था और फिर अपनी सांसों पर अधिकार पाने की कोशिश करने लगा। ऐसी थकावट उसे इससे पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। कहीं इसी जगह न बैठे रह जाना पड़े। हॉपकिंस भी बहुत अधिक सुस्त नजर आ रहा था, मगर उसने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। यह स्थान काफी हरा भरा था। राजेश ने सोचा कि क्यों न फल तलाश किए जाए। क्या यहाँ फल मिलने की संभावना नहीं है? उसने हॉपकिंस से पूछा। इधर जंगली फल होते तो है, लेकिन मुझे कभी उन्हें खाने का संयोग नहीं हुआ, राजेश ने उसे वहीं बैठे रहने को कहा और फिर उठकर जंगली फल तलाश करने के लिए एक और चल पड़ा। बड़ा मनोरम स्थान था। जहां तक नजर जाती थी हरियाली ही हरियाली नजर आती थी, और उन्हीं में जगह जगह जंगली फूलों के पौधे और बेलें भी नजर आती थी। वह ढलान में उतरने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने महसूस किया कि नीचे कोई पहाड़ी नाला बह रहा है। नीचे छोटे छोटे पेड़ों के झुंड भी दिखाई दिए। वह बड़ी सावधानी से नीचे उतरने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे रुक जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ से नाला नजर आने लगा था। यही नहीं, बल्कि उसने एक आदमी को भी झुके हुए देखा जो शायद छागल में पानी भर रहा था। वह जहाँ था वही रुका रहा, जानबूझकर खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। वह आदमी जैसे ही छागल भर कर पलटा, थकावट के सारे लक्षण विलीन हो गए। वह मदन था। छागल का स्ट्रैप कंधे पर डालकर वह ऊपर चढ़ने लगा, मगर उसका रुख राजेश की ओर नहीं था। राजेश उसे कट कट कर ऐसे पॉइंट पर आ पहुंचा जहां सामना होना आवश्यक था। राजेश पर नजर पड़ते ही मदन बौखला सा गया, फिर उसके चेहरे पर लालिमा झलकने लगी। शायद यह हर्ष का मौन प्रदर्शन था। तुम यहाँ? राजेश ने उसके निकट पहुंचकर धीरे से पूछा। पहले तो वो बहुत अधिक क्रोधित था, फिर उसने हमें छोड़ दिया। छोड़ दिया? क्या मतलब? राजेश ने चकित होकर पूछा। मदन ने उसे जोली के उन्माद और बेहोशी के बारे में बताते हुए कहा। उसकी बात से थारसा नॉर्मल नहीं दिखाई दी थी। उसने आज्ञा दी कि हम सब छोड़ दिए जाए। वापसी के लिए मार्ग भी बताया था उसने। नहीं, वो कह रही थी कि मैं तुम लोगों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती। तुम वैसे ही पत्थरों से टकरा टकरा कर भूखे प्यासे मर जाओगे। राजेश कुछ क्षण तक सोचता रहा, फिर बोला, इसके बाद भी तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। ओह, कमाल है, मदन उसे घूरता हुआ बोला। दूसरे मेरे साथ इस विचार से सहमत नहीं है, मगर आपने खुद यह सवाल उठा दिया। विश्वास कीजिए, वहां से निकलते ही मैं इस संदेह में फंस गया था कि हमारी निगरानी की जा रही है। दूसरे साथी कहाँ है? राजेश ने पूछा। यहाँ से थोड़ी दूर एक गुफा में। सबकी दशा प्यास के कारण शोचनीय है। मैं पानी की खोज में निकला था। कुछ खाने को भी है? राजेश ने पूछा। हाँ, मेरे थैले में 2 डबल रोटियां है। एक मुझे दे दो, और जहाँ ठहरे हो वहाँ ठहरे रहो। आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। थारसा क्या चाहती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या चाहती है? उसने तुम लोगों को केवल इसलिए छोड़ दिया है ताकि मुझ पर हाथ डाल सके। बात समझ में नहीं आई, मदन ने कहा। थारसा की समझ में मैं भी इधर उधर भटक रहा हूँ। तुम लोगों को इस प्रकार आजाद देखकर मैं स्वाभाविक तौर पर तुमसे मिलना चाहूंगा, और उसके आदमी एक बार फिर हम सब पर हाथ डाल देंगे। वो इतनी दयालु नहीं है कि एक हत्या हो जाने पर पूरे रेवड़ को आजाद कर दे। मदन एक डबल रोटी उसके हवाले करके आगे बढ़ गया, और राजेश ने छिप छिप कर उसका पीछा करना आरंभ किया, और फिर मदन को एक गुफा में दाखिल होते देखकर वहीं से पलटाया। राजेश ने डबल रोटी खुद खाई थी और हॉपकिंस को जंगली फल दिए थे,
रोटी उसे किस प्रकार दे सकता था, उसके लिए तो वह गुडविन था। अंधकार फैलते ही यात्रा फिर आरंभ हो गई। आज भी आकाश स्वच्छ था, तारों का प्रकाश मार्ग दिखाने के लिए काफी था। वह चोटी भी साफ दिखाई दे रही थी जिधर जाना था। राजेश चलता रहा, अचानक उसे एक जगह रुक जाना पड़ा। जरा सी असावधानी दोनों की ही मौत के घाट उतार देती। क्यों, क्या हुआ? हॉपकिंस उसे इस प्रकार अचानक रुकते देखकर चौंक पड़ा। आगे बड़ी गहरी खाई है, जरा सी भी चूक हमें मौत के मुंह में ले जाती, राजेश ने उत्तर दिया। गहरी खाई? हॉपकिंस कांपती हुई आवाज में बोला। ओ देखो, क्या नीचे उतरना सरल है? राजेश उसे वही उतारकर नीचे उतरने की संभावना का निरीक्षण करने लगा, मगर दूर तक गहराई बिल्कुल कुएं के समान नजर आई थी। थक हार कर लौट आया और हॉपकिंस को उसके बारे में बताने लगा। तब तो यही समझना चाहिए कि भाग्य हमारा साथ दे रहा है, हॉपकिंस ने कांपती हुई आवाज में कहा। हम वही पहुंच गए हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए था। भाई, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? विश्वास करो गुडविन, हम भाग्यशाली है जो उस बयान से बचते हुए मंजिल तक आ पहुंचे हैं। क्या तुम्हें दिशाओं का ज्ञान है? हाँ, ध्रुव तारा मुझे साफ नजर आ रहा है। तो फिर उत्तर दिशा में चलो, इसी खाई के किनारे किनारे जिससे आगे न बढ़ सको वहीं रुक जाना, और अब मैं अपने पैरों से चल सकूंगा। प्रकार बहुत देर लगेगी, आओ, राजेश ने कहा और फिर उसे अपने पीठ पर लाद लिया। उत्तर दिशा की ओर जाने वाला मार्ग विकट नहीं था, इसलिए राजेश के कदम तेजी से उठ रहे थे। एक दो बार हॉपकिंस ने उसे टोका भी कि उसे तेज नहीं चलना चाहिए, वरना वो बहुत जल्दी थक जाएगा और ये भी हो सकता है कि ठोकर लग जाए, मगर राजेश ने सुनी अनसुनी कर दी थी और उसी प्रकार तेज चलता रहा था। कुछ दूर चलने के बाद राजेश को रुक जाना पड़ा। ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी बहुत ऊंची दीवार ने उसका रास्ता रोक लिया हो। इस दीवार का सिलसिला पूर्व दिशा में बहुत दूर तक फैला हुआ नजर आ रहा था। उसने हॉपकिंस को बताया कि मार्ग बंद हो गया है, बस यही है हमारी मंजिल। हॉपकिंस ने लंबी सांस लेकर कहा, अब मुझे उतार दो, अब मैं अंधा होने के बाद भी तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन सकूंगा। राजेश ने उसे उतार दिया। हॉपकिंस मार्ग में आने वाले चट्टानी सिलसिले के निकट पहुंचकर उस पर इस प्रकार हाथ फेरने लगा जैसे कोई रहम दिल मालिक जानवरों की पीठ सहलाता है। अब तुम मेरा हाथ पकड़कर इस खाई के किनारे किनारे फिर दक्षिण की ओर चलो, उसने राजेश से कहा। राजेश कुछ क्षण तक उसे घूरता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो। 1, 2, 3, हॉपकिंस ने कदम गिनने आरंभ कर दिए और 11 तक गिनने के बाद रुक गया और बैठकर जमीन पर कुछ टटोलने लगा। राजेश उसके पीछे खड़ा था। अचानक उसने अपने पैरों के नीचे विचित्र प्रकार की गड़गड़ाहट महसूस की और कई कदम पीछे हट गया। पीछे तो हॉपकिंस भी हटा था, मगर इतना भी नहीं कि राजेश के निकट पहुंच जाता। आओ, आगे बढ़ाओ, मेरा हाथ पकड़ो, हॉपकिंस जोश भरे लहजे में बोला। राजेश इस अंधकार में एक उजाला देख रहा था और अब आगे बढ़ा तो उसे चटियल धरती पर एक गड़ा सा नजर आया जिससे रोशनी बाहर निकल रही थी। झुक कर देखा तो उस गड़े में सीढ़ियां दिखाई पड़ी जो काफी गहराई तक चली गई थी। राजेश उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियां उतरने लगा। 60वीं सीढ़ी पर हॉपकिंस ने उसे फिर रुकने को कहा और बाईं ओर हाथ ले जाकर एक स्विच बोर्ड को टटोलने लगा। दूसरे ही क्षण राजेश ने फिर गड़गड़ाहट सुनी। अब चलो, मैंने मार्ग बंद कर दिया है, हॉपकिंस बोला और फिर सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे ही वह समतल जमीन पर पहुंचे, तीन आदमी नजर आए जिनके चेहरों पर भय के लक्षण नजर आ रहे थे। राजेश ने धीरे धीरे उनकी मौजूदगी के बारे में हॉपकिंस को बताया और फिर जी भर में पछताया, क्योंकि हॉपकिंस ने उन तीन आदमियों के बारे में जानते ही पागलों की सी हरकतें आरंभ कर दी थी। कभी जोर जोर से हाथ हिलाता और कभी बंदरी के समान उछलने कूदने लगता। केवल वही नहीं, बल्कि वह तीनों भी उसे पागल मालूम है, क्योंकि वह पूरी गंभीरता और उसके प्रति सम्मान का प्रदर्शन करते हुए उसको उछल कूद देख रहे थे। फिर वह शांत हुआ ही था कि तीनों उसके निकट आए और झुक झुक कर उसकी आंखों में देखने लगे। अचानक हॉपकिंस ने राजेश से कहा, तुम्हें मेरी हरकतों पर आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन वास्तव में मैं उन्हें अपनी विपता सुना रहा था। वह गूंगे और बहरे है, मैंने ही उन्हें ट्रेनिंग दी थी और मेरे अतिरिक्त संसार का कोई भी आदमी उनको अपनी बात नहीं समझा सकता। मैंने उन्हें बताया है कि मैं अपनी आंखों की ज्योति खो चुका हूँ, इसीलिए उनकी बातें न समझ सकूंगा, केवल उनको मेरे संकेत समझने हैं। वह रात उन्होंने एक आरामदेह कमरे में बसर की थी और दूसरी सुबह राजेश सोच रहा था कि कहीं हॉपकिंस ने उसे पहचान तो नहीं लिया है। हो सकता है कि उसे पीठ पर लाद कर चलते समय उससे कोई भूल हो गई हो। दिन के एक भाग में तो राजेश अपने हवास ही में नहीं था,
संभव है उसी समय बेख्याली में उससे कोई भूल हो गई हो। ये विचार इसलिए पैदा हुआ था कि उन तीनों में से एक रात भर कमरे के दरवाजे की निगरानी करता रहा था। नाश्ते में भूरे रंग के पेय का गिलास मिला। हॉकिंग्स को उसे पीते देखकर राजेश ने भी एक घूंट लिया। पेय अत्यंत स्वादिष्ट होने के साथ आश्चर्यजनक भी था, क्योंकि गिलास समाप्त होते ही राजेश ने अपने शरीर में वैसी ही शक्ति का संचार पाया था जैसे पेट भरकर भोजन किया हो। हॉकिंग्स ने बताया कि वह तीनों आदमी कई सालों से केवल उसी पेय पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठोस खाद्य उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। यह पेय साइंटिफिक प्रणाली से तैयार होता है और वह यहाँ इतना काफी है कि वह पांचों पूरे एक साल तक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिर असल काम आरंभ हुआ। वह तीनों राजेश को उस जगह लाए जहाँ हॉकिंग्स की कथित उड़न तश्तरी मौजूद थी। मैंने इनसे कहा है कि, हॉकिंग्स ने राजेश से कहा, तुम्हें इसकी प्रयोग विधि बताए और मैं तुमको इसकी विशेषताएं बता रहा हूँ। ये थारसा के फ्रिग्राजो का तोड़ है। इससे फायर करके फ्रिग्राजो को नष्ट किया जा सकता है। खुद इस पर कोई हथियार कारगर नहीं होता। इसकी ऊपरी सतह बड़ी तेजी से चक्कर लगाने के कारण इससे कतरा कर निकल जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोगेस की विद्युत लहर की ही क्यों ना हो। तो फिर तुमने इसे थारसा के विरुद्ध पहले कभी क्यों नहीं प्रयोग किया, राजेश ने पूछा। ये न भूलो कि हमारे मध्य केवल सिद्धांतों के लिए युद्ध हो रहा है। जीरो लैंड के नागरिकों की तबाही कभी भी मेरा लक्ष्य नहीं रहा। मैं तो थारसा के अस्तित्व से जीरो लैंड को शुद्ध करना चाहता हूँ। मैं केवल उसे मारना चाहता था और वो हमेशा मुझसे भागी फिरी थी, मगर अब अपनी आंखें खोलने के बाद मुझे किसी भी की चिंता नहीं। थारसा के साथ ही 200-400 नागरिक भी मर गए तो मुझे तनिक भी चिंता न होगी। इसके अतिरिक्त और कोई चारा भी तो नहीं, हॉकिंग्स, राजेश ने कहा। मैं समझता हूँ, गुडविन, वह राजेश का कंधा थपक थपक कर बोला। वह दिन भी बीत गया और मदन ने किसी को भी गुफा से बाहर निकलने नहीं दिया। संध्या को फिर पानी की आवश्यकता पड़ी और मदन छागल लेकर अकेला निकल गया। राजेश से मुलाकात के बाद वह बहुत चौकन्ना हो गया था। इस समय गुफा से बाहर निकला तो खास तौर से दिमाग उन अनदेखे पीछा करने वालों की ओर था, जिनके बारे में राजेश ने भी अपने विचार प्रकट किए थे। ढलान से उतरकर वह नाले के किनारे तक आया, छागल भरी और गुफा की ओर चल पड़ा। उसने एक चट्टान के पीछे से सर उभारा ही था कि एक अपरिचित गुफा के मुख्य निकट नजर आया, जो गुफा के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। मदन 2-4 बार खासा और जमीन पर जोर जोर से पैर मारता हुआ चट्टान की ओर से निकल आया, मगर अब गुफा के मुख्य पास कोई भी नहीं था। उसने एक लंबी सांस खींची और आगे बढ़ गया। गुफा में पहुंचकर महसूस हुआ कि वह लोग बिल्कुल अनभिज्ञ है। कमल मैंडोलिन बजा रहा था और थेलमा के अतिरिक्त कोई भी उसमें दिलचस्पी लेने पर तैयार नहीं मालूम होता था। सभी के चेहरे विकृत थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह कमल के इस असमय के संगीत वादन पर विरोध प्रकाशन की भी शक्ति नहीं रखते। मदन सीधा उन्हीं दोनों की ओर गया था। कमल ने मैंडोलिन पर हाथ रोक लिया। इसमें संदेह नहीं कि राजेश लोगों की हड्डियों के अंदर तक झांक सकता है, मदन मुस्कुराकर बोला। मैंने ही समझा मोसियो, कमल ने कहा। तुम निसंदेह इस योग्य हो कि राजेश जैसा आदमी तुम्हें गोद ले, अपना उत्तराधिकारी बनाए। अरे वाह, कमल हंसकर बोला, मगर मुझे मोसियो राजेश से एक शिकायत है। न तो वो मामोजियल जोली की ओर ध्यान देते हैं, न मदाम थारसा की ओर। मदन कुछ नहीं बोला और देखने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस प्रकार यहाँ पड़े रहने से क्या लाभ प्राप्त किया जा रहा है, नायक ने मदन से पूछा। हमारी निगरानी की जा रही है, इसीलिए हमारा यही पड़े रहना अधिक अच्छा है, मदन ने कहा। पता नहीं कि इस प्रकार हमें छोड़ देने के बाद हमारी निगरानी क्यों करवाई जा रही है। इस नई समस्या ने उन्हें फिर उलझन में डाल दिया और मदन के अतिरिक्त हर आदमी यही सोचने लगा कि आखिर इस निगरानी का ध्येय क्या हो सकता है। कमल ने भी मैंडोलिन एक ओर रख दिया था और धीरे धीरे थेलमा से कह रहा था, मादाम थारसा को मैं बिल्कुल नहीं समझ सका। या तो मुझ पर इतनी मेहरबानियां थी या फिर इतनी निर्दयता से धक्के दिलवा कर बाहर निकाल दिया। क्या तुम उसके पास रुकना चाहते थे, थेलमा ने पूछा। वह कला की कदरदान है, उसकी अनुभूतियां बड़ी कोमल है, प्रकृति और सद्भाव दो रंगे हैं। वह चंडी भी है और मीरा भी है। उसने योग शास्त्र पर भी मुझसे बातें की थी और मैंने कहा था कि मादाम तुम्हें ईश्वर की आड़ में किसी सुपरमैन की तलाश है। अच्छा, अब समाप्त करो ये बात, मुझे भूख लग रही है। मोसियो मदन ने ठंडे पानी का प्रबंध कर लिया है, रोटी तो शायद किसी के पास ना हो, कमल ने कहा। दूसरी ओर लोग बार बार मदन से यही पूछ रहे थे कि आखिर थारसा उनकी निगरानी क्यों करा रही है, लेकिन मदन ने उनको राजेश का दृष्टिकोण नहीं बताया। बाहर अंधेरा फैल गया था,
लेकिन यहाँ गुफा में दो मोमबत्तियां जल रही थी। ये उनके अपने सामान में शामिल था। थारसा ने उनका सारा सामान उन्हें वापस कर दिया था। रात गए उन्होंने एक जबरदस्त धमाका सुना। ऐसा लगा जैसे जमीन हिल कर रह गई हो। गुफा झंझना उठी थी। ये उड़ान तश्तरी से उस स्थान पर पहला बार हुआ था जहां गालविदा पर राजेश ने हमला किया था। राजेश उड़न तश्तरी में मौजूद था। उस धमाके से पूरी घाटी में उजाला फैल गया था। यह राजेश ही की योजना थी कि उड़न तश्तरी से उस घाटी में यूं ही एक फायर किया जाए। ये एक प्रकार की युद्ध की घोषणा था। फायर करके उड़न तश्तरी बड़ी तेजी से वायुमंडल में ऊंची उड़ गई थी। उसका विचार था कि अगर वहां कुछ फ्रेग्रास मौजूद है तो वह इस धमाके के बाद अवश्य उड़ान करेंगे। सहस्त्रों फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर उड़न तश्तरी घाटी पर चकराने लगी। उसमें हॉपकिंग्स भी अपने तीनों आदमियों सहित मौजूद था। कंट्रोल पर एक आदमी के साथ राजेश भी था और उसे काम करते हुए ध्यानपूर्वक देख रहा था। और आज तो दिन भर ही उसकी ट्रेनिंग हुई थी। अब देखूंगा हॉपकिंग्स गुर्राता रहा और उड़न तश्तरी घाटी का चक्कर लगाती रही। अचानक उड़न तश्तरी के माइक से आवाज आई, ये कौन है? मैं खुद थारसा बोल रही हूँ। आज तेरा बचना असंभव है, हॉपकिंग्स दहाड़ा। मैं हॉपकिंग्स बोल रहा हूँ, राजेश बौखला कर सीधा हो बैठा। बड़ी खतरनाक सिचुएशन थी। वो सोचने लगा कि कहीं थारसा उसका नाम न ले बैठे। क्या गुडविन तुम्हारे पास मौजूद है? थारसा की आवाज आई और राजेश ने जल्दी से हॉपकिंग्स की भुजा दबा दी। ये बकवास का समय नहीं है, हॉपकिंग्स ने राजेश का संकेत समझते हुए गर्जना की। बोल, अपने आप को दासियों के समान मेरे सामने हाजिर करती है या मुझ तुझ सहित सब कुछ तबाह कर दूं? अपनी खैर बना अंधे, अभी देखे लेती हैं, थारसा की जहरीली आवाज सुनाई दी। उत्तर में हॉपकिंग्स ने एक भयंकर अट्टहास किया और उड़न तश्तरी घाटी में चकराती रही। फिर नीचे से सर्च लाइट की आड़ी तिरछी रेखाएं ऊपर की ओर आने लगी। कंट्रोल पर बैठे हुए आदमी ने उन पर आवाज लगाई, तू अपनी चिंता कर कुतिया, तूने केवल इसलिए मुझे जीवित रखा था कि मुझे उस उड़न तश्तरी का भेद उगलवा ले, लेकिन तेरी ये उड़न तश्तरी अब हम दोनों के शत्रु के हाथ लगने वाली है, आवाज आई। राजेश ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया और बोला, अकारण बकवास किए जा रही है, हमें अपना काम जारी करना चाहिए। हाँ ठीक है, हॉकिंग्स बोला, कुछ देर तबाही फैलाने के बाद ही उससे बात की जाए तो अच्छा है। वो हार नहीं मानेगी हॉकिंग्स, उसे मौत के घाट उतार देना ही उचित होगा, राजेश ने कहा और हॉकिंग्स मौन हो गया। उड़न तश्तरी से दो तीन फायर और हुए और वह पहले ही के समान घाटी पर चकराती रही। अचानक राजेश ने कहा, फ्रेग्रास कितने हैं? हॉकिंग्स ने पूछा। स्क्रीन पर तीन नजर आ रहे हैं, फायर, हॉकिंग्स बोला। उड़न तश्तरी से फायर हुआ और स्क्रीन पर नजर आने वाले तीन बिंदुओं में से एक के परखच्चे उड़ गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंतिम युद्ध आरंभ हो गया हो। जोली और थारसा कानों में उंगलियां डाले औंधी पड़ी हुई थी। पुरुषों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। कमल का मंडोले न जाने किस कोने में पड़ा हुआ था। उसका चेहरा भी धुआं हो रहा था। उसकी आंखों में किसी भयभीत बच्चे की आंखों की सी झलकियां नजर आ रही थी। सब मौन थे, किसी के मुख से भी एक शब्द नहीं निकल रहा था। धमाकों पर धमाके होते चले जा रहे थे। केवल मदन ऐसा था जिससे कई बार गुफा के मुख तक जाने का साहस किया था और वायु से मंडल आग के बड़े बड़े गोले गिरते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे नर्क का मुख खुल गया हो। हजारों फीट की ऊंचाई पर एक खतरनाक खेल हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये दुनिया की अंतिम रात हो। गुफा का तापमान बढ़ गया था। ठंड के बावजूद वह सब पसीने में नहाए हुए थे। कुछ देर के लिए धमाके रुके ही थे कि मदन ने ऊंची आवाज में कहा, हमें हर्षित होना चाहिए कि राजेश सफल हो गया। वह हॉपकिंग्स को निकाल ले गया था, मदन कहता रहा। थारसा को उन दोनों की तलाश थी और उसने हम लोगों को केवल इसलिए छोड़ा था कि राजेश इधर उधर भटकता हुआ जब हमसे आ मिले तो हमारा पीछा करने वाले राजेश सहित हमें दोबारा गिरफ्तार कर सके। लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान है, उसने ठीक समय पर हमें सूचित कर दिया। उसने सूचित कर दिया? सबने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मदन ने कहा और फिर बताया कि किस प्रकार पिछली संध्या राजेश से मुलाकात हुई थी। फिर यह सब मौन हो गए। बहुत देर से कोई फायर नहीं हुआ था, तो इसका अर्थ हुआ कि अब तक हमने 6 फ्रेग्रास नष्ट कर दिए, राजेश हॉकिंग से कह रहा था, और उड़न तश्तरी अब भी घाटी पर चक्कर लगाए जा रही थी। अब ट्रांसमीटर का स्विच ऑन कर दो, हॉकिंग्स ने कहा। राजेश स्विच ऑन करने से पहले बोला, मेरा विचार है कि कंट्रोल अब मेरे हाथ में दे दिया जाए और तुम यहां मेरे निकट आ जाओ। क्यों? हॉकिंग्स ने चौंक कर पूछा। इससे उपयुक्त अवसर फिर हाथ नहीं आएगा कि मैं अपनी योग्यताओं की परीक्षा कर सकूं। मैं देखना चाहता हूं कि मैंने कहां तक इस मशीन को समझा है। तुम्हारी इच्छा,
हॉकिंग्स ने बड़े खुले दिल से कहा, तुम तो मेरी आंखें बन चुके हो। फिर उसने अपने आदमियों को संकेत किया और वह कंट्रोल बोर्ड के पास से हट गए। राजेश जो उन संकेतों को भी कुछ कुछ समझ गया था, अपने संकेत द्वारा उन्हें उड़न तश्तरी के एक विशेष भाग की ओर ढकेल ले गया। इससे अवकाश पाकर उसने ट्रांसमीटर का स्विच ऑन कर दिया। थारसा की आवाज लगातार आ रही थी। हेलो थारसा, हॉकिंग्स गुर्राया, मैं तुम्हें यह सूचना देना चाहती हूँ कि मैं तो जा रही हूँ, मगर तुम हमेशा के लिए नर्क में पहुंच जाओगे। तुम कहाँ जा रही हो? असंभव है थारसा, तुम्हें मेरे कदमों पर झुकना होगा। तुम्हारा कोई भी शस्त्र मेरी फ्लाइंग सासर को नष्ट नहीं कर सकता। कितनी फायर तुम्हारे फ्रिगराजों से हुए है, लेकिन क्या हुआ? हाँ निसंदेह, इस समय मैं तुम पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती, लेकिन तुम अब भी कैदी हो और अगर न करे तो जीवन भर कैदी ही रहोगे। मेरे न सही, राजेश के सही। अपना नाम सुनते ही राजेश ने कंट्रोल बोर्ड का एक बटन दबाया और तीन भयंकर प्रकार की चीखें सुनाई दी। हॉकिंग्स उछल पड़ा। उसके तीनों साथी उड़न तश्तरी से गायब हो चुके थे। राजेश ने उनको पहले ही संकेत करके ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया था जो कंट्रोल बोर्ड का वह बटन दबाते ही खुल जाता था। पल भर में ये हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे गिरकर लोथड़ों के रूप में बिखर गए होंगे। अचानक ट्रांसमीटर से फिर आवाज आई। ये चीखें कैसी थी हॉकिंग्स? मैं नहीं जानता, हॉकिंग्स ने कहा। क्या गुडविन तुम्हारे पास ही मौजूद है? आवाज आई। हाँ, हॉकिंग्स फटी फटी सी आवाज में बोला, वह गुडविन नहीं बल्कि राजेश है। थारसा ने कहकर बहुत ही संक्षिप्त में उसे बताया कि किस देह के अंतर्गत उसने उसके बराबर वाले कमरे में राजेश को रखवाया था, मगर राजेश उसे जुल दे गया। राजेश ने भन्ना कर ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया। क्या वह सच कह रही थी? हॉकिंग्स ने भर्राई हुई आवाज में कहा और फौरन ही उछल कर बोला, मेरे आदमी। और फिर बड़ी तेजी से उनके लिए संकेत करने लगा। थक जाओगे, राजेश बड़े प्यार भरे लहजे में बोला, वो बेचारे तो नीचे गए। क्या मतलब? हॉकिंग्स कंठ फाड़ कर दहाड़ा। वह नीचे गए? राजेश इतना अनाड़ी नहीं है। तुम राजेश, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह दांत पीसकर उसकी ओर मुड़ा। राजेश ने उसे उसी ओर धकेल दिया जहां से उसके साथी नीचे गिरे थे। बनी, राजेश गुर्राया, तुम भी पुश स्पॉट पर हो, चुपचाप वहीं पड़े रहो। अगर उठने की कोशिश की तो अपने साथियों से जा मिलोगे। हॉकिंग्स उसी जगह पर बड़ा बेबसी से कराता रहा। राजेश ने ट्रांसमीटर का स्विच फिर ऑन कर दिया और बड़े गर्व के साथ बोला, थारसा मैं राजेश तुम्हें परामर्श दे रहा हूँ कि अपनी पराजय स्वीकार कर लो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना। शट अप, थारसा की आवाज अत्यंत जहरीली थी। मैं बहुत जल्द तुम्हारे देश की ईंट से ईंट बजा दूंगी। कोई बात नहीं, मैं तो अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। अंधे मुजरिम हॉकिंग्स को अपने साथ ले जा रहा हूँ। जब तुम मेरे देश की ईंट से ईंट बजाने जाओगी तो तुम्हें भी देख लूंगा। इसको तो बाबा मलंग गुरदासपुरी की तावीज के ओर से अंधा किया था और तुमको? वह वाक्य पूरा न कर सका क्योंकि उड़न तश्तरी पर अचानक कई ओर से फायर होने लगे थे। राजेश ने अट्टहास लगाते हुए कहा, किए जाओ बेकार कोशिश, मेरे चार ही फायर तुम्हारे चारों फ्रिगराजों को नष्ट कर देंगे। और फिर स्क्रीन पर नजर आने वाले चारों फ्रिगराज बड़ी तेजी से पीछे हटते चले गए और फिर शायद वह उड़न तश्तरी के रेंज से बाहर ही हो गए, क्योंकि अब स्क्रीन सादी पड़ी थी, कहीं कोई छोटा सा बिंदु भी नहीं दिखाई देता था। इसके बाद ट्रांसमीटर से कोई आवाज नहीं आई। उड़न तश्तरी के अंदर हॉकिंग्स की कराहे गुंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत बड़ी पीड़ा से ग्रस्त हो। उड़न तश्तरी ने घाटी के तीन चार चक्कर और लगाए, उसके बाद उसी ओर चल पड़ा जिधर से आई थी। थोड़ी देर बाद घाटी पर फिर पहली ही जैसी स्तब्धता छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे अथाह सन्नाटे को कभी किसी ने छेड़ा ही ना हो। सवेरा होते होते उनका बुरा हाल हो गया। अब तो मदन में भी इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि अपने स्थान से उठकर गुफा के मूल तक जाता। पिछली रात के क्षण बढ़ते हुए तापमान के कारण वह सब बेहोश हो गए थे और फिर सवेरे से पहले किसी को होश नहीं आया था। मदन चित पड़ा हुआ ऊपर की ओर देखे जा रहा था। स्नायु पर विचित्र शिथिलता छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों के तेज ज्वर से मुक्ति तो मिल गई हो, मगर कमजोरी के कारण हिलना डुलना भी दुष्कर हो। अचानक उसने किसी की आवाज सुनी। कोई उसका नाम लेकर आवाजें दे रहा था और आवाज प्रतिक्षण निकट होती जा रही थी। ओह, ये क्या हो गया है तुम लोगों को? उसी आवाज ने एक अर्थपूर्ण वाक्य का रूप धारण कर लिया। अब उसने राजेश की चहकती हुई आवाज पहचानी और कुछ पहचान लेने की योग्यता आश्चर्यजनक रूप से हिलने डुलने की शक्ति परिवर्तित हो गई। वह एक झटके के साथ उठ बैठा और फिर वह सब ही धीरे धीरे उठ गए थे। राजेश उनके मध्य खड़ा उन्हें दया भरी दृष्टि से देख रहा था। मदाम थारसा,
आपसे बहुत प्रेम करती है मौसी और राजेश, कमल की आवाज गुफा में गूंजी। जब तक कोई दूसरी सूचना न मिले तब तक इसी वाक्य को दोहराते रहो, राजेश ने शुष्क स्वर में कहा और गोली तथा थेलमा की ओर देखने लगा। वो दोनों सालों की बीमार मालूम हो रही थी। राजेश ने तमाम साथियों को संबोधित करके पिछली रात की कहानी सुनाई और बोला, यहाँ के मजदूरी करने वाले कैदियों में केवल 16 आदमी जीवित बचे हैं। थारसा साफ निकल गई और हॉपकिंग्स अब मेरा कैदी है। बाकी बचे कैदियों में से 3 आदमी हमारे देश के रहने वाले हैं। उनका दावा है कि वह उन रास्तों को अच्छी तरह जानते हैं जिनसे यहाँ तक लाए गए थे। अब वापसी में वह हमें रास्ता बताएंगे। क्या वहाँ सब कुछ नष्ट हो गया? मदन ने पूछा। हाँ, सब कुछ। उड़न तश्तरी से होने वाली गोलाबारी ने फरलांगों गहरी दराड़ें जमीन पर डाल दी है, फिर वह धरती के नीचे बनी इमारतें कैसे सुरक्षित रह सकती थी? तो अब हमें क्या करना है? मदन ने पूछा। जितनी जल्द हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए, राजेश ने कहा। हम एक दूसरे देश के गैर आबाद हिस्से में हैं। यहाँ होने वाले धमाके इस देश की प्रयोगशालाओं में निश्चय रिकॉर्ड किए गए होंगे। अगर कोई तहकीकाती पार्टी इधर आ निकली तो फिर हम मुसीबत में फंस जाएंगे। आपका विचार ठीक है, मगर उस उड़न तश्तरी का क्या बनेगा? वह जहाँ छिपाई गई है फिलहाल वही रहेगी, लेकिन अंधा हॉपकिंग्स हमारे साथ चलेगा। तुम सचमुच बात के पक्के और धुन के पूरे हो, नायक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। शुक्रिया, राजेश ने मुर्खों के समान मुस्कुराकर कहा। कुछ देर के बाद यह काफिला वहां से रवाना हो गया। अंधा मुजरिम हॉपकिंग्स उनके साथ था और राजेश के साथी बारी बारी से उसे अपने पीठ पर लाद कर चल रहे थे। ये व्यवस्था इसलिए की गई थी कि कोई एक आदमी थकने न पाए और सबके कदम तेजी से उठते रहे। वह जल्द से जल्द उस देश की सीमा से बाहर निकल जाना चाहते थे, मगर उस स्थान तक पहुंचने में भी उनको 3 दिन लगे जहां थारसा ने राजेश और उसके साथियों पर अधिकार प्राप्त किया था। सबकी हालत तबाह थी, उन्हें अधिकतर भूखा प्यासा रहना पड़ा था। घाटी से वापसी से पहले राजेश ने बहुत कोशिश की थी कि हॉपकिंग्स की उस पेय के स्टॉक की निशानदेही कर दे जिसे पीकर उसके तीनों साथी महीनों अपनी शक्ति बनाए रखते थे, मगर हॉपकिंग्स इस पर अड़ गया था कि अब वह अपना मुख बंद ही रखेगा चाहे उसके चिथड़े ही क्यों न उड़ा दिए जाए। कमल राजेश के साथ चल रहा था। कभी कभी वह मैंडोलिन के तारों पर मेजराब लगा देता और राजेश बड़े प्यार से उसे देखने लगता। मदन ने राजेश को बताया कि इस मध्य कमल किस प्रकार उनके दिल बहलाता रहा था। उसने तो यहाँ तक कह डाला कि काश कमल बाकायदा तौर पर उसमें शामिल हो सकता। मुझे तो उस उड़न तश्तरी की चिंता है, कमल चलते चलते बोला। उसकी चिंता न करो, राजेश ने कहा। मेरे और हॉपकिंग्स के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है, और न वह किसी दूसरे को मिल ही सकती है। क्या वह यहाँ से लाई न जाएगी? देखा जाएगा। मौसी और राजेश? हाँ प्यारे, मैं फिर कहता हूँ कि आप अपने जीवन का सबसे सुंदर भाग नष्ट कर रहे हैं। क्यों पुत्र? इतनी औरतें आपको चाहती है और आप किसी की भी परवाह नहीं करते, आखिर क्यों? ये एक दुख भरी कहानी है बेटे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं सुनाऊंगा। प्लीज मौसियो, अवश्य सुनाइए, मुझे भी एक बार मोहब्बत हुई थी। नहीं, कमल आश्चर्य के कारण उछल पड़ा। लेकिन, राजेश ने दर्द भरे स्वर में कहा, उस प्रेमिका से छुटकारा पाने के बाद फिर मैंने ये रोग नहीं पाला। आखिर क्यों, क्या हुआ था? एक दिन कहने लगी कि न जाने क्या बात है, जब मैं आपके गले लगती हूँ तो मेरी नाक बहने लगती है। कमल हंस पड़ा। विश्वास करो, राजेश के लहजे में पहले से भी अधिक दर्द भराया। ये सुनकर बड़ी घिनाई थी और उससे छुटकारा पाने के लिए मैंने ये उपाय कर डाला था कि जब भी वह मेरे गले लगे तो मेरी भी नाक बहने लगे। आकछी, उसे एक जोरदार छिकाई और वो शोशो करने लगा। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।